वेलकम आप सभी का। देखिए, हमारा जो पेपर डिस्कशन सेशन चल रहा है, उसमें हमने इससे पहले वीडियो में बात की थी कि सितंबर 2022 के अंदर जो हमारा नेट का पेपर रहा है, उसकी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के अंदर लाइफ साइंसेस वाले पेपर में इकोलॉजिकल साइंसेस से जो क्वेश्चन रहे थे, उन क्वेश्चंस का मॉर्निंग वाला पार्ट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, और इवनिंग के जो क्वेश्चंस थे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे वो इवनिंग वाले पेपर में रहे थे। जैसे लास्ट वीडियो में भी हमारी बात हुई थी कि बी पार्ट के अंदर 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे, जबकि सी पार्ट के अंदर 52 मार्क्स के क्वेश्चन इकोलॉजिकल साइंसेस के ऊपर बेस थे। तो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन हम मानेंगे यहाँ पे इसको, कि 72 मार्क्स अपने आप में बहुत ज़्यादा मार्क्स हो जाते हैं, और किसी पर्टिकुलर सिंगल यूनिट के लिए तो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा होता है कि अगर एक बहुत बेहतरीन लेवल पे हमारा कोई यूनिट तैयार होता है तो हम उससे बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ से निकाल सकते हैं और हमारे सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया ही था, और आपकी साइड से क्या मिस्टेक्स रही होंगी, और पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में किस प्रकार की कमियां आपकी साइड पे हो, और क्या आपने वहां पे अप्लाई कर लिया था, और एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, वहां पे काफ़ी बार स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, और छोटी छोटी बातों को लेकर के जो गलतियां स्टूडेंट्स की साइड से रह जाती हैं, उसका नतीजा निकलता है कि एक बहुत अच्छा यूनिट भी एक अच्छी स्कोरिंग आपको नहीं दिला पाता कई बार। तो कोशिश करनी है कि सारे क्वेश्चंस के अंदर जो भी ऑप्शंस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से आप समझें और आने वाली एग्जाम्स के अंदर आप इन चीज़ों का पूरा फायदा उठा पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन डिस्कशन सेशन को। ओके, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी नंबर 109। तो इवनिंग वाला जो पार्ट है, इवनिंग पेपर के अंदर पार्ट बी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 जो है, ये एक्चुअल में सक्सेशन के मॉडल्स को लेकर के है, मॉड्स ऑफ सक्सेशन, मॉडल्स ऑफ सक्सेशन, जो कि हम सक्सेशन के अंदर मॉडल्स पढ़ते हैं, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं और फाइनली आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो बताने पड़ेंगे। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो ऐसा पैटर्न बहुत सारे क्वेश्चंस में सीएसआर में रहता ही है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर काफ़ी सारे स्टेटमेंट देते हैं। चलिए हम बात करते हैं स्टेटमेंट वाइज कि इन द इनहिबिशन मॉडल, कि सक्सेशन का जो इनहिबिशन मॉडल होता है, इनहिबिशन मॉडल के अंदर जो शुरू की जो कम्युनिटीज है वो बाद वाली जो कम्युनिटीज के जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको इंट्रोड्यूस होने में इनहिबिट करते हैं, क्योंकि नाम से समझ जाएंगे इनहिबिशन मॉडल है। तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इंट्रैक्शन इज प्रेजेंट एज नो स्पीसीज इज कंप्लीटली सुपीरियर, कि इनिबिशन मॉडल के अंदर स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इंट्रैक्शन होता है, इसलिए कोई भी स्पीसीज है, नो स्पीसीज इज कंप्लीटली सुपीरियर। कि एक स्पीसीज जो सुपीरियर होती है वो अपने आप को स्टैब्लिश कर सकती है, लेकिन इनिबिशन मॉडल के अंदर पहले वाले दूसरे वालों को इनिबिट करते हैं, दूसरे वाले पहले वालों को इनिबिट करते हैं, तो कोई भी सुपीरियर यहाँ पे नहीं होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि इनहिबिशन मॉडल के अंदर स्टार्टिंग वाले और लेटर कंडीशंस वाले वो एक दूसरे को इनहिबिट करके रिप्लेस कर सकते हैं, तो कोई भी सुपीरियर नहीं होता है, क्योंकि सुपीरियर होते ही वो अपने आप को वहाँ पे स्टैब्लिश कर लेंगे और कोई दूसरे वाले उनको इनहिबिट करने ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तभी तो अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट था कि टॉलरेंस मॉडल के अकॉर्डिंग लेटर सक्सेशनल स्पीसीज, यानी कि बाद की जो कम्युनिटीज होती हैं, लेटर सक्सेशनल स्पीसीज आर नाइदर इनहिबिटेड नॉर एडेड बाई स्पीसीज ऑफ प्रीवियस स्टेजेस। तो ये जो हमारा मैटर था कि टॉलरेंस मॉडल के रिगार्डिंग, कि टॉलरेंस मॉडल के अंदर जो दूसरे जो नेक्स्ट सीरियल कम्युनिटीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको टॉलरेट किया जाता है, उनके साथ में रहा जाता है, आर नाइदर इनहिबिटेड, कि लेटर सक्सेशनल जो स्पीसीज है वो नाइदर इनहिबिटेड नॉर एडेड बाय द स्पीसीज ऑफ प्रीवियस स्टेज,
देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी अच्छी बनाई हुई है और लैंग्वेज से ही आपको जाना पड़ेगा कि प्रीवियस स्टेजेस का मतलब है अर्ली कम्युनिटीज, कि जो अर्ली कम्युनिटीज वाले हैं वो ना तो किसी को ऐड करते हैं और ना किसी को इनहिबिट करते हैं। यस ऐसा ही होता है कि टॉलरेंस मॉडल के अंदर स्टार्टिंग वाले भी होते हैं और स्टार्टिंग वालों के साथ में लेटर वाले हैं वो भी ऐड हो सकते हैं। तो फैसिलिटेशन के अंदर अर्ली वाले हैं वो ऐड करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग वाले कुछ एटमोसफेयर को ऐसा चेंज करते हैं कि लेटर कंडीशंस वाले वहाँ पे अपने आप को सूटेबल मानेंगे और अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो जो फैसिलिटेशन मॉडल है वो तो एडिट पे काम करता है लेकिन टॉलरेंस मॉडल है वो एडिट पे काम नहीं करता है। तो ना तो यहाँ पे किसी को रोका जाता है ना किसी को लिए यहाँ पे कंडीशन फेवरेबल बना के उसको जोड़ा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। ओके देन आफ्टर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं कि इन इनहिबिशन मॉडल कम्पिटेटिव इंट्रैक्शन इज वीक एज नो स्पीसीज इज कम्प्लीटली सुपीरियर। तो हालांकि कोई भी स्पीसीज सुपीरियर तो नहीं होती, ये बात तो ठीक है, लेकिन इंट्रैक्शन का जो लेवल है वो वीक नहीं होता है क्योंकि वो स्ट्रांग होती है। इनहिबिशन के अंदर तो इनहिबिट तभी करेंगे जब आपस में स्ट्रांगली कम्पीट कर रहे हो, तो वीक का कोई मैंसन ही नहीं हो सकता, स्टेटमेंट से गलत हो जाएगा। और जो काफ़ी जनरली हम फैसिलिटेशन मॉडल की बात करते हैं कि वहाँ पे पहले वाले जो कम्युनिटीज़ हैं वो सिचुएशन को आने वाली कम्युनिटीज़ के लिए बेटर बना देते हैं, वो फैसिलिटेशन मॉडल का कॉन्सेप्ट होता है कि इन फैसिलिटेशन मॉडल लेटर सक्सेशनल स्पीसीज आर नाइदर इनहिबिटेड। तो ये बात तो सही है कि उनको रोका तो नहीं जाता है नॉर एडेड, लेकिन उनको ऐड किया जाता है। तो ये गलत है क्योंकि वहाँ पे तो कंडीशन फेवरेबल होते हैं, बाद वाले आकर के वहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट कि आधा जो इसका हिस्सा है दैट इज स्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी हमारे पास सही रहेंगे। तो ओनली ए एंड बी का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे जो हमारी आंसर आईडी है 435 यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें दिया हुआ है। तो सक्सेशन के मॉडल्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है पेपर का और सिलेबस से इस वाले पार्ट से काफ़ी पेपर्स में क्वेश्चन रहे हैं, बी पार्ट में भी रहते हैं और इवन मॉडल्स को ड्रा करके और सी पार्ट में क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आई होप लैंग्वेज वाइज अगर कुछ पूछा जाए तो आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। ओके दिस इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन और देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बी पार्ट के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ग्राफ दिए गए हैं ए बी सी, तीन ग्राफ आपके पास है ए बी एंड सी और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि डिपिक्ट्स द सीजनल वेरिएशन इन प्लैंकटॉन बायोमास, कि जो प्लैंकटॉन बायोमास है उस बायोमास के सीजनल चेंजेस यहाँ पे बताए हुए हैं। और ये कहाँ का मैटर है, इन द थ्री ओशनिक रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ के तीन डिफरेंट ओशनिक रीजन्स हैं ना, और वहाँ के सीजन से बायोमास ऑफ द प्लैंकटॉन जो है उस पर क्या इम्पैक्ट है, कैसा पैटर्न है, वो हमें ग्राफ्स के अंदर दिखाया हुआ है। तो कोरिलेट करना है अपन को, एक लाइन है दैट इज़ फॉर जो प्लैंकटॉन और एक जो हल्की लाइन है दैट इज़ फॉर जो सॉलिड लाइन है दैट इज़ फॉर फाइटोप्लैंकटॉन और एक हल्की लाइन है दैट इज़ फॉर जू प्लैंकटॉन। तो एक बार में फाइटोप्लैंकटॉन की लाइन को ग्रीन कलर से कर लेते हैं अपन। दिस इज फाइटोप्लैंकटॉन। तो जस्ट आपको एक्स एक्सिस के ऊपर जो टाइम स्केल है उससे कोरिलेट करना पड़ेगा कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो टाइम है वो हमें एक्स एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है और वाई एक्सिस के ऊपर चाहे फाइटोप्लैंकटॉन हो जो प्लैंकटॉन हो उसका बायोमास कितना है वो हमें वाई एक्सिस पे मिल जाएगा और जो अमाउंट है बायोमास की जो प्लैंकटॉन्स की वो रेड कलर से एक बार हम कर लेते हैं ताकि हम इनको आराम से डिस्टिंग्विश कर लेंगे। ओके एंड ऑप्शंस के अंदर जो हमें एरिया बताए गए हैं उनमें एक तो है ट्रॉपिकल ओशियन, वन इज ट्रॉपिकल, वन इज पोलर एंड वन इज टेम्परेट ओशियन। हम इनको कोरिलेट करना है। देखिए सबसे पहले तो आप बिल्कुल से डायरेक्टली जा सकते हैं कि ट्रॉपिकल जो एरिया होगा, ट्रॉपिकल के अंदर जो टेम्परेचर है सीजन्स हैं वो नहीं बनती हैं, टेम्परेचर थ्रू आउट ईयर कॉन्स्टेंट रहता है, सीजन्स नहीं बनती हैं, तो नो सीजन्स।
तो जब कोई सीजन ही नहीं है तो थ्रू आउट द ईयर जो प्रोडक्टिविटी है और जो ग्रोथ है बायोमास के अंदर वो एक जैसी रहती है। तो ये तो आपको डायरेक्टली ही मिल जाएगा कि जो पार्ट ए है वो तो ट्रॉपिकल का है, दिस इज़ फॉर ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल के लिए तो हमारे पास ए आ जाएगा कि यहाँ पे हमें कुछ देखना ही नहीं पड़ रहा था, डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि साल भर एक जैसा क्लाइमेट होता है, तो फ्लक्चुएशन का यहाँ पे कोई ज़्यादा बैटर नहीं है। हालांकि फ्लक्चुएशन दिखाए गए हैं वो कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, आप बी और सी से कंपेयर करेंगे तो दे आर वेरी माइनर फ्लक्चुएशन, तो दिस इज जस्टिफाइड फॉर ट्रॉपिकल ओशन, ए वाला हमारा पैटर्न जो है ठीक है। इसके बाद में हमें डिस्टिंग्विश करना है बी एंड सी को। और अगर हम बात करते हैं पोलर ओशन की, पोलर जो पोल्स के ऊपर है, टेम्परेट जहाँ पे सीजन्स बनती हैं, तो पोलर्स के अंदर हमेशा ही ठंड रहती है और जमे हुए एरिया हैं और यहाँ पे हल्की सी गर्मियाँ आती हैं और उन्हीं गर्मियों के अंदर थोड़ी बहुत बर्फ़ है वो पिघलती है और वहाँ पे फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन, इनकी ग्रोथ साल में केवल एक बार ही आती है। और ये जो इनकी माइल्ड समर्स होती है ना, हल्की सी गर्मियाँ होती हैं यहाँ पे, अपने यहाँ पे जितनी तेज गर्मी पड़ती है वैसे पॉल्स में नहीं पड़ सकती, दिस इज द माइल्ड समर्स। तो हल्का सा गर्मी आता है और उसी में थोड़ा बहुत जो मेल्टिंग है उससे लाइफ है वो प्रॉपर फ्लोरिश होती है। तो ये केवल छोटा सा एक टाइम होगा, आपको एक्स एक्सिस के ऊपर देखना है कि ये ड्यूरेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो एक थोड़े से टाइम के अंदर। और फिर थोड़ा सा आप जस्टिफाई वैसे भी कर सकते हैं कि पहले फाइटोप्लैंकटन्स के अंदर ग्रोथ आएगी, उसके बाद में जू प्लैंकटन्स के अंदर ग्रोथ आती है, क्योंकि जू प्लैंकटन्स वो फाइटोप्लैंकटन्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो दिस इज फॉर बी, तो बी फॉर पोलर ओशन। और जब टेम्परेट की बातें करेंगे तो टेम्परेट में सीजन्स हैं, तो सीजन्स के अंदर जैसे कि समर सीजन है वहाँ पे एक्टिविटी मिलेगी आपको, विंटर सीजन है उसमें एक्टिविटी कम मिलेगी। तो केवल एक ही पीक हो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग के अंदर स्प्रिंग सीजन है यहाँ पे भी हमें एक्टिविटी मिलेगी, फिर रेनी सीजन है उसमें भी हमें एक्टिविटी मिलेगी। तो मल्टीपल टाइम, जब जैसे ही अनफेवरेबल टाइम जाएगा फिर एक फेवरेबल टाइम आता है, फिर एक अनफेवरेबल आता है, फिर एक फेवरेबल आता है। तो ये जो रिपीटेड और रिदमेटिक पैटर्न है ये हमें कहाँ मिलेगा, टेम्परेट में मिलेगा। तो डायरेक्टली ए बी सी जो दिए हुए हैं वो ट्रॉपिकल, पोलर और टेम्परेट ओशन के लिए ही दिए हुए हैं। जस्ट आपको एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम स्केल देखना है और फिर कौन से एरिया का क्लाइमेट साल भर कैसा होता है उससे आपको जोड़ना था कि फाइटोप्लैंकटन और जो प्लैंकटन को हम कैसे उसमें कोरिलेट करेंगे और कौन सा ग्राफ हमारे कौन से एरिया को कोरिलेट कर पाता है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द आईडी नंबर 437। ओके चलिए इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस इज द क्वेश्चन आईडी 111। तो देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, देखिए सीएसआर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस के अंदर लैंग्वेज को कुछ ऐसे बनाया ही जाता है ताकि कहीं भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। तो आप डायरेक्टली ऐसी जगह पे फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढने की बातें करें, यानी कि नॉट करेक्ट का मतलब आपको फॉल्स स्टेटमेंट देखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि निस ब्रिथ जो होती है, निस की जो चौड़ाई होती है ना, जैसे ब्रॉड निसेज होते हैं एक और एक नैरो निसेज होती है। तो ब्रॉड निसेज जर्नलिस्टिक नेचर को बताती है जो जनरल नेचर के हैं, और नैरो निसेज हैं वो स्पेशलिस्ट को बताती है, राइट। ये आर सिलेक्टेड स्पीसीज के लिए होते हैं, ये के सिलेक्टेड स्पीसीज के लिए होते हैं। तो नैरो निस टेंड्स टू इंक्रीज विथ इंटर स्पेसिफिक कंपिटिशन, कि निस की जो चौड़ाई है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होती है अगर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ेगा, वाइल इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन टेंड्स टू डिक्रीज इट। तो देखिए जब अलग अलग स्पीसीज या दो स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन बढ़ता है, यानी कि क्राउडिंग बढ़ती है या एरिया के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ता है, तो निसिस की चौड़ाई इंक्रीज नहीं होती है, निसिस की चौड़ाई है वो डिक्रीज होती है। तो स्टेटमेंट हमारा गलत है, स्टेटमेंट हमारा गलत है और गलत स्टेटमेंट ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो ये तो हमारा आंसर हो ही गया कि निस की जो चौड़ाई है वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के स्ट्रांग होने पे बढ़ती नहीं है, डिक्रीज हो जाती है। और अगला स्टेटमेंट था कि स्पीसीज इन अनस्टेबल एनवायरनमेंट,
अनस्टेबल एनवायरनमेंट का मतलब जैसे अर्ली सीरियल कम्युनिटीज हैं, स्टार्टिंग का जो टाइम होता है विथ फ्लक्चुएशंस रिसोर्सेज अवेलेबिलिटीज टेंड टू हैव ब्रॉडनेस ब्रिथ। यस, जो जहाँ पे अनफेवरेबल एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे यही रहते हैं, आर सिलेक्टेड वाले अनफेवरेबल एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को एडजस्ट करते ही हैं और उसका फ़ायदा भी आर वाले ही उठाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पे फ्लक्चुएशन एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे जो स्पीसीज मिलेंगी वो जनरलिस्टिक स्पीसीज होती हैं, आर सिलेक्टेड होती हैं। एंड के स्ट्रेटजीज आर लाइकली टू बेटर कम्पिटिटर्स देन आर स्ट्रेटजीज इन क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यस, क्लाइमेक्स के अंदर जो मैनली जो बेनिफिट उठाते हैं वो के वाले होते हैं, तो आर वालों की तुलना में के वाले वहाँ पे ज़्यादा स्टेब्लिश हैं और ज़्यादा अच्छे से कम्पीट कर सकते हैं। दिस इज अगेन राइट। डिफ्यूज कम्पिटिशन, डिफ्यूज का मतलब अलग अलग प्रकार का, मतलब कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। डिफ्यूज डिफ्यूज कम्पिटिशन इंक्रीजेस विथ निस डायमेंसलिटी। तो जैसे निस के अंदर जो डायमेंशंस है कि कहीं पे निस छोटा है कहीं पे बड़ा है, निस के अंदर एक जैसा पैटर्न नहीं है, और उसको क्या आप कंपटीशन के अंदर डिफ्यूजनेस उससे जोड़ सकते हैं? यस, अगर कंपटीशन कहीं पे ज़्यादा है तो वहाँ पे निसेस संकरी हो जाएंगी, कंपटीशन कहीं पे कम है तो वहाँ पे निसेस ब्रॉड हो जाएंगी। तो डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग कि कंपटीशन कहाँ कम कहाँ ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग निसेस की जो डायमेंशंस हैं वो कम ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये बात भी बिल्कुल से सही है। होता क्या है कि जैसे मैटर तो हम लोग पढ़ते ही हैं लेकिन उसको किस प्रकार से पूछा जा रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारे लिए राइट आंसर यहाँ पे रह जाएगा। दिस इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198 जो इसका आईडी दे रखा है हमें। यहाँ पे बिल्कुल से स्ट्रेट फॉरवर्ड एक छोटी सी बात आपसे पूछी है कि जो ब्लैक बक होते हैं जो काले हिरण होते हैं ना, एंटीलोप कैरिकार्पा, हैज बिन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज। तो स्पेशली जो राजस्थान का एरिया है, राजस्थान के एरिया के अंदर जो काले हिरण है उनको ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से कौन सी कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो बचाते हैं या उनकी सुरक्षा करते हैं? तो ये बिल्कुल से डायरेक्ट फॉरवर्ड है कि जो बिश्नोई समुदाय के लोग हैं वो इसके लिए डेडिकेट हैं और वो इसके लिए वर्ल्ड वाइड फेमस भी हैं। तो कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात राजस्थान से भी पूछी हुई है, तो ये तो राजस्थान वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे से पता होती है, बाकी को भी पता होना चाहिए कि जो ब्लैक बक है उनको कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो बिश्नोई कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो परंपरागत रूप से जाने जाते हैं। ट्रेडिशनली वो पिछले टाइम से उनका काफ़ी ज़्यादा जो डिवोशन है कि नेचर को प्रोटेक्ट करने में उनका बहुत बड़ा डिवोशन रहा हुआ है। ओके, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आईडी है 199। तो देखिए सवानास जो कि घास के मैदान होते हैं ना, ग्रासलैंड टाइप्स होते हैं, दीज आर द ग्रासलैंड्स। तो जहाँ पे मैन वेजिटेशन ग्रासेज होती है, ग्रासेज के बीच में जगह जगह पे थोड़े थोड़े पेड़ हैं वो पाए जाते हैं, तो स्केटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ट्रीज का, काफ़ी लंबा ग्रास का एरिया है उसमें कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े पेड़ पाए जाते हैं, उसको अपन सवाना बोलते हैं। सवानास आर बायोम्स वेयर द ट्री एंड ग्रास वेजिटेशन को एग्जिस्ट। ग्रासेज खूब सारी होती हैं, ट्रीज भी थोड़े से होते हैं लेकिन वो साथ में ही पाए जाते हैं ओवर लार्ज एरिया, है ना। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया जिसमें खूब सारी घासें हों, बीच बीच में कुछ पेड़ हों, तो वो सवाना के रूप में हम जानते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन, तो कौन सा स्टेटमेंट इसको समझा नहीं सकता, द अक्रेंस ऑफ सवाना इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो भारत के अंदर जो सवाना पाए जाते हैं या जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट समझा नहीं सकता या उसके लिए लागू नहीं हो सकता वो देखना है ना। डज नॉट एक्सप्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा कि बाकी तीन स्टेटमेंट सवाना के फॉर्मेशन को सपोर्ट करेंगे, एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जो सवाना के डेवलपमेंट को या सवाना के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट नहीं करता है या उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है ना। दिस इज सेलेक्टिव लॉगिंग की सेलेक्टिव का मतलब जैसे छटे हुए कि कहीं कहीं से हमने कुछ हटा दिया ना, सेलेक्टिव लॉगिंग ऑफ फॉरेस्ट
ओपन सब द कैनोपी, कि कहीं कहीं से जो पेड़ हम हटा देते हैं, जो काट लेते हैं, उससे कैनोपी है वो खुल जाती है, और कैनोपी खुल जाने से जो सनलाइट है वो नीचे ग्राउंड पे आने लग जाती है और ग्रासेज हैं वो वहाँ पे उसकी वजह से डेवलप हो पाती है। तो एक घना जंगल हो और उसमें से कुछ पेड़ काट दिए जाए, उनको हटा दिया जाए और उससे फिर नीचे ग्राउंड पे सनलाइट आने लग जाए और उससे ग्रासेस फैल जाए, ये सवाना को एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि सवाना के अंदर मैन वेजिटेशन ट्रीज नहीं है। सवाना के अंदर मैन वेजिटेशन तो ग्रासेज हैं, ट्रीज तो बहुत थोड़े से होते हैं। तो हम ट्रीज को काट के नीचे रोशनी लाएं और उससे ग्रासेस पैदा हो और उससे सवाना बनता हो, ऐसा हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो गलत बात है, ये अप्लीकेबल नहीं है। लो रेनफॉल मेंटेन्स लो ट्री कवर, यस, जब रेनफॉल कम होता है तो ट्रीज डेवलप नहीं हो पाते, ये भी बिल्कुल सही है। दैट हेल्प्स ग्रासेज स्टैब्लिश, और उसकी वजह से ग्रासेज हम आराम से स्टैब्लिश हो पाती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फायर्स डू नॉट अलाउ ट्रीज टू स्टैब्लिश क्लोज कैनोपी, अगर नेचुरल फायर्स कोज होती हैं तो उससे ट्रीज हैं वो डेवलप नहीं हो पाते, लेकिन जो ब्रंट सॉइल है उसके ऊपर ग्रासेस तो आराम से ग्रो कर सकती है, तो फायर्स हैं वो ट्रीज को पैदा नहीं होने देती या ट्रीज को डेवलप नहीं होने देती, ये बात भी सवाना फॉर्मेशन को सपोर्ट करती है। एंड ब्राउजिंग बाई हर्बीवोर्स, जैसे कि एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स वो ट्रीज की टहनियाँ वगैरह तोड़ते रहते हैं, उसको ब्राउज करते रहते हैं, तो ब्राउजिंग बाई हर्बीवोर्स लिमिट ट्री एस्टेब्लिशमेंट, तो पेड़ों को बनने नहीं दिया जाता है, क्योंकि सवाना के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है कि ये जो मेंटेनेंस है, कि मेंटेनेंस ऑफ सवानास बाई हर्बीवोर्स, जैसे कि हम एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट सवाना के अंदर जो ट्रीज हैं उन ट्रीज को मेंटेन करता है, एस्टेब्लिश करता है, उनको मेंटेन करता है, कि उनको ज़्यादा बड़े होने नहीं देते हैं। और अगर हम सवाना से एलिफेंट को रिमूव कर दें तो जो सवाना है ग्रासलैंड वो एक फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर एक किसी एक स्पीसीज के होने से एक इकोसिस्टम होता है और उसके जाने से वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे एलिफेंट होते हैं तो ग्रासलैंड है वो, और एलिफेंट हटा दिए तो वो फॉरेस्ट बन गया, तो सारा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। तो ऐसी स्पीसीज को हम कीस्टोन स्पीसीज भी कहते हैं। तो सवाना के अंदर कीस्टोन स्पीसीज के रूप में एलिफेंट्स वर्क करते हैं, ये बात भी पीछे क्वेश्चंस में रही हुई है। तो जो ब्राउजिंग है एलिफेंट्स वगैरह जो हर्बीवोर्स हैं वो ट्रीज को डेवलप नहीं होने देते, तो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सवानास। तो फायर भी सवाना को सपोर्ट करती है, हर्बीवोर ब्राउजिंग भी सवाना को सपोर्ट करता है, लो रेनफॉल भी सवाना को सपोर्ट करता है, लेकिन पहले से जंगल हो, उसके कुछ पेड़ टूटे और फिर वहाँ ग्रासेस डेवलप हो, इससे सवाना बनता हो, ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो जो सपोर्ट नहीं करता वही आपको बताना था, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट हियर। ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, और देखिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो डाइक्लोफेनेक होता है, मोस्टली जो हम पैन किलर ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे हमें कुछ भी पैन होता है तो हम मार्केट से, और इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर तो बहुत ज़्यादा ये दवाइयाँ दिखती हैं, कि जो इलिटरेट लोग हैं और इवन जो लिटरेट लोग हैं वो सारे ही हल्का सा पैन होते ही दवाइयाँ हैं वो लेते हैं, और कुछ टैबलेट्स हैं जिनको बहुत रूटीन में लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर जो पैन किलर ड्रग्स है उनमें एक साल्ट आता है जिसे डाइक्लोफिनेक, तो डाइक्लोफिनेक टॉक्सिक है ना। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें तो हम ऐसे मेडिसिन को यूज़ करते हैं, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें तो डाइक्लोफिनेक के ऊपर कम्प्लीटली बैन है, और इवन इंडिया के अंदर भी जो केरला है, जो साउदर्न पार्ट्स हैं, वहाँ पे डाइक्लोफिनेक जो ड्रग्स हैं वो यूज़ नहीं की जाती है, लेकिन राजस्थान के अंदर और उत्तरी भारत के अंदर तो डाइक्लोफिनेक बहुत आराम से यूज़ करते हैं लोग, इसकी गोलियां खाते रहते हैं पैन होती। तो डाइक्लोफिनेक की जो टॉक्सिसिटी हैज़ बीन सजेस्टेड टू बी द कॉज ऑफ पॉपुलेशन डेक्लाइन, कि हम लोग जो डाइक्लोफिनेक यूज़ कर रहे हैं उस डाइक्लोफिनेक की वजह से पॉपुलेशन डेक्लाइन होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। देखिए ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में ये क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछा हुआ है, दिस इज बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन, और बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि कुछ खास प्रकार के जो कंपाउंड्स हो या जो कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उन केमिकल कंपाउंड्स को जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो पिकअप कर लेते हैं, फिर प्लांट्स से ये हर्बीवोर्स में जाते हैं, फिर कार्निवोर्स में जाते हैं, और फिर टॉप कार्निवोर्स में जाते हैं,
और टॉप कार्निवोर्स की बॉडी के अंदर ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं वो होते तो सॉइल में हैं, इन द सॉइल, लेकिन सॉइल में से जो प्लांट्स हैं वो उसको पिक कर देते हैं। और यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट होती है कि प्लांट्स हैं वो उस पर्टिकुलर कंपाउंड को हाइपर एक्यूमुलेट करते हैं। तो ऐसे प्लांट जो कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को जरूरत से ज़्यादा उठाते हैं वो हाइपर एक्यूमुलेशन में काउंट होता है, हाइपर एक्यूमुलेशन। तो हाइपर एक्यूमुलेट अगर कोई कंपाउंड होगा तो ही वो आगे ट्रॉफिक चेन के अंदर प्रोसीड कर पाएगा। अगर जितना नॉर्मली प्लांट्स उठाते हैं उतना ही उसको उठाया गया, या बाकी मिनरल जितने उठाए जाते हैं उतना ही इसको उठाया गया, तब तो ये हाइपर एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो अगर कोई पर्टिकुलर ड्रग या कंपाउंड ऐसा हो जो सॉइल में से पौधे ज़्यादा उठाने, तो उसका हाइपर एक्यूमुलेशन होना चाहिए, उसके बाद में वो कंपाउंड है वो ट्रॉफिक लेवल में रन करे। और ट्रॉफिक लेवल में रन करने के बाद में जो हमारे टॉप कंज्यूमर्स हैं, जो टॉप कार्निवोर्स हैं, जो अपेक्स प्रेडेटर्स हैं, इन अपेक्स प्रेडेटर्स की बॉडी के अंदर स्टोर हो जाए, जो अपेक्स प्रेडेटर्स हैं इनकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट आती है कि जो केमिकल सॉइल में था वैसा का वैसा केमिकल अपेक्स प्रेडेटर तक पहुंच जाना चाहिए, यानी उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि केमिकल कैसा होना चाहिए, स्टेबल केमिकल कंपाउंड होना चाहिए। तो स्टेबल नेचर जिसकी हो, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर नहीं बदलता है, दैट इज स्टेबल। और साथ में ही क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ये जो ट्रॉफिक चेन है उसमें इसका रिलीज भी नहीं होना चाहिए। जैसे पौधों ने उठा लिया तो फिर वो हर्बीवोर में जाना चाहिए, कार्निवोर में जाना चाहिए, यहाँ से रिलीज नहीं होना चाहिए। तो मोस्टली जो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई कंपाउंड फैट सोल्यूबल है, अगर वाटर सोल्यूबल होते हैं तब तो वो रिलीज हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई फैट सोल्यूबल कंपाउंड है, फैट सोल्यूबल हो यानी कि नॉन पॉलर हो, तो कोई फैट सोल्यूबल कंपाउंड हो जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, प्लांट जिसको ज़रूरत से ज़्यादा उठा लेते हो, तो वो कंपाउंड हाई ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हम में उनकी बॉडी में जा करके स्टोर हो जाता है, और उसकी टॉक्सिसिटी हमें इनमें देखने को मिलती है। और स्पेसिफिकली जो डाइक्लोफिनेक है, ये जो वल्चर्स हैं, जो गिद्ध होते हैं, उन गिद्धों की बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि इनका जो एग सेल होता है, इनके अंडों का जो कवच होता है वो काफ़ी वीक रह जाता है, थिन रह जाता है, पतला रह जाता है। और जब फीमेल्स उन अंडों को इंक्यूबेट करने के लिए उनके ऊपर आती हैं तो वो अंडे टूट जाते हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो एग सेल के वीक होने से है, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर डाइक्लोफिनेक आता कहाँ से है, क्यों आता है, इतना इकट्ठा कैसे हो जाता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। तो पर्टिकुलर जो बायो मैग्निफिकेशन टॉपिक है, इससे पहले भी क्वेश्चंस रहे हुए हैं, और ये तो डायरेक्ट पूछा गया था कि डाइक्लोफिनेक का नतीजा है वो टॉक्सिसिटी के रूप में आपको कौन से एनिमल में देखने को मिलेगा, तो दिस इज द जिप्स वल्चर्स। ठीक है, ऑलिव रिडले टर्टल है, ये भी थ्रेटन्ड टर्टल की स्पीसीज है, लेकिन इसका जो कनेक्शन है वो डाइक्लोफिनेक टॉक्सिसिटी से नहीं है। इसका कनेक्शन हैबिटाट लॉस से है, कि जो उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे जो गिर माथा जो एरिया है वहाँ पे ये ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो वो हैबिटाट लॉस का मैटर है, हनी बीज का कोई कनेक्शन नहीं है, ओशनिक सार्सेल से कोई कनेक्शन नहीं है। तो दिस इज द जिप्स वल्चर, जिनकी बॉडी के अंदर ये हाइपर एक्यूमुलेट हो रखे हैं और उनकी वजह से उनको टॉक्सिसिटी फेस करनी पड़ रही है, और इनकी पॉपुलेशन डेक्लाइन हो रही है। प्रॉब्लम क्या है कि जो गिद्ध हैं उनका पॉपुलेशन डेक्लाइन हो रहा है, और उससे कंसर्न ये हो जाता है क्योंकि अपेक्स प्रेडेटर हैं, तो जो मेंटेनेंस है, जो फीडबैक कंट्रोल होता है, जो लूपिंग जो होती है, नेगेटिव लूपिंग जो होती है, कि जो कंट्रोलिंग होती है उस कंट्रोलिंग को ये पार्टिसिपेट करके उसको कंप्लीट कराते हैं। तो जब गिद्धों का नंबर कम हो जाएगा तो पूरा का पूरा जो ट्रॉफिक लेवल है उसके ऊपर इसका फर्क पड़ता है। तो ये तो मैटर रहा हमारा डाइक्लोफिनेक की टॉक्सिसिटी, और हमें पता रहना चाहिए कि बायो मैग्निफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका आंसर दे सकते हैं। और डायरेक्टली हमें पता भी रहना चाहिए कि जो अपेक्स प्रेडेटर बर्ड्स हैं, जिसमें कि ये वल्चर्स आते हैं, उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ रहा है। ओके, इसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये है हमारा क्वेश्चन ID 201। तो यहाँ पे भी हमसे पूछा जा रहा है कि एन इंडियन बर्ड स्पीसीज,
ऐसी बर्ड स्पीसीज हमें बतानी है जो इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर पाई जाती है। और दूसरी खास बात ये है कि इज नॉन टू डिफेंड फ्लावर्स, कि फ्लावर्स को डिफेंड करती है। देखिए जो फ्लावर्स हैं वो नेक्टर के लिए यूज़ किए जाते हैं, फूड के लिए यूज़ किए जाते हैं, और अपने फूड को कोई प्रोटेक्ट करता है। और स्पेसिफिकली जो डिफेंडिंग है कि जब रिसोर्सेज को डिफेंड किया जाता है, यानी कि टेरिटरी मेंटेनिंग है, रिसोर्स को डिफेंड करना, क्योंकि फ्लावर एक फूड है, फ्लावर से फीडिंग होती है इसकी, और फूड एक रिसोर्स होता है। और अगर कोई अपने रिसोर्स को डिफेंड कर रहा है, इसका मतलब दैट इज टेरिटरी मेंटेनिंग। जैसे एनिमल्स अपनी टेरिटरी को मेंटेन करते हैं ना, तो उसी प्रकार से टेरिटरी को मेंटेन करना जैसा एक बिहेवियर हो गया। तो जिस समय पे पर्टिकुलर जो रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज अगर प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, डिफेंड किए जा रहे हैं, और क्योंकि बर्ड्स और बर्ड्स का जो फूड है, जो फ्लावर से नेक्टर को ये सक करती हैं, तो वो थोड़ा सा एक आइडिया होने पे हम इन चीज़ों को बता सकते हैं। तो दिस इज द पर्पल रम्प सनबर्ड। जो स्पेसिफिकली जो फ्लावर्स को डिफेंड करना है, कि जो पर्टिकुलर फ्लावर्स के जो गुच्छे होते हैं, उन गुच्छों को किसी और बर्ड से असेस करने से रोकती है, यानी कि टेरिटरी को डिफेंड कर लेंगे, और फिर वहाँ के फूलों का रस केवल एक ही बर्ड कंज्यूम करता है, दूसरे बर्ड को कंज्यूम करने से रोका जाता है, दैट इज डिफेंडिंग। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये तो काफी सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट रह जाएगा, क्योंकि पिछले टाइम्स के अंदर बहुत बार ही ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, और हर बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन हमें मिल ही जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वाइव शिप कार इज टिपिकल ऑफ इन्वेजिव इंसेक्ट पेस्ट स्पीसीज। तो जो इन्वेजिव पेस्ट हैं, उनके लिए कौन सा सर्वाइवल शिप कार है वो लागू होगा, ये आपको बताना था। तो देखिए, जब भी बात आती है इन्वेजिव की, इन्वेजिव चाहे पेस्ट हो चाहे प्लांट हो, ठीक है, अगर हम कोई इन्वेजिव प्लांट भी लेंगे तो भी हमारा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। लेकिन प्लांट्स के मामले में हमें दूसरी चीज़ें भी अप्लाई करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे हम डायरेक्टली आर एंड के को साइज वगैरह से नहीं जोड़ सकते, कुछ दूसरी चीज़ें आती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, तो एक जो क्राउडेड एरिया होता है, कि जहाँ पहले से बहुत सारे इंडिविजुअल रह रहे होते हैं, वो सारे केस सिलेक्टेड होते हैं, और वहाँ पे कोई भी निस खाली नहीं होती है, नो एम्प्टी निसेस, नो एम्प्टी निसेस, और उनके बीच में कोई आकर के अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, तो वो इन्वेजिव कहलाता है। तो जब पहले से रिसोर्स है ही नहीं वहाँ पे, निसेस खाली ही नहीं है, रिसोर्स है ही नहीं, तो कोई वहाँ पे किस चीज़ के ऊपर सर्वाइव करेगा? अगर किसी को रिसोर्सेज की नीड बहुत कम है, या सिलेक्टिव रिसोर्स उसको चाहिए नहीं, या कॉमन रिसोर्स को यूज़ करता है, तो वो यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। तो जो कॉमन रिसोर्स को यूज़ करने वाले हैं, वो यहाँ पे अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हैं, एंड दे आर सिलेक्टेड स्पीसीज। तो कुछ फीचर्स हैं, उनका साइज छोटा होना चाहिए, उनका लाइफ स्पान छोटा होना चाहिए, वो एग्स ज़्यादा बना रहे हों, वो सीड्स ज़्यादा बना रहे हों, उनके अंदर इकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ करैक्टर्स हैं वो इनके साथ जुड़े हुए होते हैं, राइट। तो अगर हमने डिसाइड किया कि दैट शुड बी आर सिलेक्टेड स्पीसीज, देन हमें पता है कि जो आर वाले हैं, उनका जो सर्वाइवशिप कर्व आता है, कि वो स्टार्टिंग के अंदर उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो स्टार्टिंग लाइफ का जो वेरी फर्स्ट बिगिनिंग पार्ट होता है, उसी में काफ़ी सारों की डेथ हो जाती है, और थोड़े से ही मैच्योर कंडीशन में जा पाते हैं। तो दिस इज द कर्व नंबर थर्ड, जो कि एक कॉनकेव कर्व होता है। तो अगर जस्ट हमें ये पता हो कि इन्वेजिव को हम क्या मानते हैं, हम उसको आर मान के काम करेंगे कि वो आर सिलेक्टेड है। क्यों है? क्योंकि जब पहले से निश्चित है ही नहीं खाली, तो कोई खास डिमांड वाला कैसे सेट हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो आर सिलेक्टेड स्पीसीज एंड आर सिलेक्टेड के लिए जो ग्राफ आते हैं, दैट्स विल बी टाइप थर्ड, ठीक है। टाइप सेकेंड नहीं हो सकता, फर्स्ट नहीं हो सकता। एंड इन्वेजिव स्पीसीज पेस्ट स्पीसीज डू नॉट अलाउ स्पेसिफिक सर्वाइवशिप का, तो ऐसा तो हम लगा ही नहीं सकते कि ये कोई कारण देगा ही नहीं, ये बात भी गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड में सही बताया हुआ था।
दिस इज द नेशनल क्वेश्चन और दिस इज आइटम नंबर 203 और यहाँ पे हमें बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट हम देखेंगे। और देखिए यहाँ पे डाइवर्सिटी को लेकर के बातें की हुई है कि जो अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी जो लेवल्स होते हैं ना, उन लेवल्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमें मिल रहा है। और अल्फा बीटा गामा क्या है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई एरिया हो और इस एरिया के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है तो दिस इज अल्फा, ठीक है। अगर आपके पास एक दूसरा एरिया हो और इसमें कितनी डाइवर्सिटी है तो दिस इज अगेन अल्फा। ये एरिया वन का अल्फा है, ये एरिया टू का अल्फा है, राइट। अगर इन दोनों की डाइवर्सिटी में क्या अंतर है, डिफरेंस कितना है, या कंपैरिजन करें, डिफरेंस या कंपैरिजन, तो दोनों की डाइवर्सिटी में जो अंतर हम पता करते हैं दैट इज बीटा। तो एक एरिया में क्या है, दैट इज उसका अल्फा, दूसरे एरिया में क्या है, ये उसका अल्फा, और दोनों एरिया के अंदर अंतर क्या है, दैट इज वहाँ का बीटा, राइट। तो एक छोटा एरिया था स्मॉलेस्ट एरिया, और एक स्मॉलेस्ट एरिया फिर हमने दोनों को मिलाया तो ये हो गया एक बड़ा एरिया। अगर हमारे पास ऐसे और भी एरिया हो तो दैट विल बी ए लैंडस्कैप, के काफी बड़ा एरिया हो जाएगा लैंडस्कैप। तो इस पूरे लैंडस्केप के ऊपर क्या डाइवर्सिटी, वहां पे हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, वहां पे टोटलिटी आ जाएगी। तो दिस इज द टोटलिटी, कंपैरिजन तो केवल बीटा होता है। तो किसी जगह पे क्या है वो वहां का अल्फा होता है, और बहुत बड़े एरिया के अंदर सारा क्या है, दैट इज गामा, राइट। तो अल्फा बीटा गामा दिस इज द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी को इस प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं, उसलिए ऐसा क्वेश्चन था। चलिए स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि बोथ अल्फा एंड गामा डाइवर्सिटीज मेजर द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ स्पीसीज इन ए कम्युनिटी। यस, हर जगह पे कम्युनिटीज होती हैं, और कौन सी कम्युनिटी के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज हैं कौन सी नहीं है, तो अल्फा हो गामा हो उसमें ये सारा मेजर होता ही है, तो स्टेटमेंट तो सही है। गामा डाइवर्सिटी कैन बी एक्सप्रेस एट अ प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा डाइवर्सिटीज अक्रॉस साइट्स। तो यस, अक्रॉस साइट्स का मतलब ये सारी साइट आ जाएंगी तो एक लैंडस्केप बन जाएगा, तो उस लैंडस्केप के अंदर टोटल क्या सीनेरियो है वो गामा ही होता है। तो यस, ये बात भी बिल्कुल सही है। गामा डाइवर्सिटी इज द सम ऑफ अल्फा डाइवर्सिटीज ऑफ ए सेट ऑफ सीरीज, कि केवल अल्फा को जोड़ दें तो गामा बन जाएगा। तो अल्फा को जोड़ने से गामा नहीं बनता, अल्फा और फिर वहाँ का सारा कंपैरिजन वो सब जुड़ जाता है तब हम गामा पे जाते हैं। तो ये केवल अल्फा का सम है, ये तो गलत है। दिस इज स्टेटमेंट फर्स्ट। एंड गामा डाइवर्सिटी कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ अल्फा एंड बीटा डाइवर्सिटी अक्रॉस साइट। यस, ये बात सही है, क्योंकि आप अल्फा बीटा सारा ले लेंगे तो टोटल अपने आप ही हो जाएगा। तो दिस इज अगेन राइट। तो फॉल्स स्टेटमेंट बता रहा था, तो स्टेटमेंट नंबर थर्ड विल बी फॉल्स। ओके ना, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 204 आईडी। विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इकोटॉन। तो इकोटॉन के लिए क्या गलत है वो बताना पड़ेगा आपको। तो पहले तो इकोटॉन को देख लीजिए कि इकोटॉन क्या होता है। जैसे आपके पास एक कम्युनिटी वन हो या इकोसिस्टम वन ले लीजिए, और ये कोई दूसरा इकोसिस्टम और है यहाँ पे, दिस इज इकोसिस्टम टू, तो इनका एक ओवरलैपिंग जोन होता है। तो जो किनारा है और वो जो ओवरलैपिंग जोन बन रहा है, इस ओवरलैपिंग जोन के लिए हम इकोटॉन वर्ड यूज करते हैं। तो स्पीसीज इकोसिस्टम फर्स्ट वाले भी यहाँ रहते हैं और इकोसिस्टम सेकंड वाले भी यहाँ रहते हैं, तो एक ओवरलैपिंग जोन होता है। This is an overlapping zone between two communities or two ecosystem. तो दोनों species के individuals यहाँ पे रहते हैं, और थोड़ा सा दिमाग में ये भी आपको रखना है कि ecosystem वन ecosystem टू लंबे समय से maintained है, तो यहाँ पे सारे कौन रहते हैं, case selected species हैं, यहाँ पे भी कौन है, case selected species हैं, और जब इनके overlapping zone की बात करेंगे तो वहाँ पे भी कौन होंगे, case selected ही होते हैं, right?
चलिए चलते हैं अपन इंटर टाइडल जोन्स एंड एस्चुरीज, जैसे जहाँ पे टाइड्स आते हैं समुद्र के जो किनारे होते हैं वहाँ पे ज्वार भाटा आता है वो इंटर टाइडल जोन्स है, वहाँ पे चट्टान और पानी दोनों मिलते हैं, तो दो इकोसिस्टम है। तो इंटर टाइडल जोन ये भी इसी का एग्जाम्पल है, एस्चुरीज ये भी इसी का एग्जाम्पल है, आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इकोटोन, ये दोनों तो इकोटोन के एग्जाम्पल हैं, तो स्टेटमेंट सही है। दे आर ट्रांजिशन एरियाज ऑफ वेजिटेशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज, यस ये बात भी सही है कि यहाँ के प्लांट अलग हैं और यहाँ के प्लांट अलग हैं तो दोनों का ट्रांजिशन होता है, यस ये बात भी बिल्कुल सही है कि ट्रांजिशन एरिया के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। पॉपुलेशन इन इकोटोन आर पोटेंशली प्री एडप्टेड टू चेंजिंग एनवायरमेंट, कि यहाँ की जो स्पीसी केवल जो ओवरलैपिंग जोन है इकोटोन में केवल उतना ही काम में आएगा, तो क्या यहाँ की जो स्पीसीज हैं वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए प्री अडेप्टेड हैं? जब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ की जो स्पीसीज हैं वो दोनों एरिया के वाले होते हैं, तो के वाले तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए प्री अडेप्टेड होते ही नहीं, क्योंकि के वालों को तो एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन सबसे पहले प्रॉब्लम डालता है, तो दे आर पोटेंशली प्री अडेप्टेड ऐसा नहीं है। दे हैव ओनली के सिलेक्टेड स्पीसीज दैट कैन सर्वाइव इन चेंजिंग हैबिटाट, तो ये क्योंकि हैबिटाट दोनों का मिक्सअप वाला है, ट्रांजिशन वाला है, तो हैबिटाट में चेंजेस तो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट ही है, तो चेंजिंग हैबिटाट के अंदर नॉर्मली तो केवल सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये दो हैबिटाट पिछले लंबे समय से ऐसे ही बने हुए हैं तो यहाँ जो रहने वाले हैं वो इसके लिए अडप्टेड हो गए हैं, राइट? तो दे हार्बर ओनली के सिलेक्टेड स्पीसीज एंड कैन सर्वाइव इन चेंजिंग हैबिटाट और ट्रांजिशन हैबिटाट, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ जो रहते हैं वो किसी भी चेंज के लिए पहले से ही उनमें पावर है ऐसा नहीं है, ये पोटेंशली वो प्री अडप्टेड है ऐसा कुछ नहीं है, अगर कहीं पे और कुछ चेंज कर दें और फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़े ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ यहाँ की सिचुएशन में जो भी है उसके लिए तो ये सेट है ही है, तो दिस विल बी द फॉल्स स्टेटमेंट और हमारा आंसर रह जाएगा। देखिए दिस इज़ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन ID 205 और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड द मैक्सिमम टुवार्ड्स CO2 एमिशन, कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो सबसे ज़्यादा पिछले 10 ईयर्स के अंदर, लास्ट 10 ईयर्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री ने किया है, ये पूछा गया है। और ऐसे क्वेश्चन भी लास्ट पेपर्स में CSIR ने कई बार पूछे हैं, तो पर्टिकुलर पॉल्यूशन लेवल हो या पॉल्यूशन लिमिट्स हो तो ये चीज़ें भी आई हैं, तो हमें थोड़ा सा इनके बारे में अवेयर रहना चाहिए। देखिए ये एक डाटा शीट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसके अंदर जो डार्क शेड है ये 2010 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो लाइट सीट है ये 2020 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 ईयर्स का जो गैप है इस गैप के अंदर कार्बन एमिशन कितना ज़्यादा बढ़ा है वो यहाँ पे बताया हुआ है, तो दिस इज़ द चाइना, इसके अंदर ये गैप सबसे बड़ा है, दिस इज़ द चाइना जिसके लिए गैप सबसे बड़ा है, उसके बाद में दिस इज़ द यूनाइटेड स्टेट जहाँ पे तो ये गैप कम हुआ है, ये कार्बन एमिशन इनका कम हुआ है, एंड दिस इज द इंडिया जहाँ पे कार्बन एमिशन बढ़ा है, राइट? एंड दिस इज द रसिया जहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, बड़ा नहीं है, जापान का कम हुआ है, ईरान का थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हमारे ऑप्शन में इंडिया है, USA है, चाइना है, रसिया है, तो इंडिया का तो है लेकिन इंडिया तो सेकेंड नंबर पर आ रहा है, USA है उसमें तो डिक्रीज हुआ है, रसिया है उसमें भी डिक्रीज हुआ है, चाइना है इसमें हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है, हाईएस्ट इंक्रीज, तो मैक्सिमम कार्बन एमिशन जिस कंट्री ने पिछले 10 सालों में दिया है दैट इज चाइना। तो वर्ल्ड लेवल के ऊपर कार्बन एमिशन कुछ कंट्रीज ने कम भी किया है और चाइना जैसे कंट्री ने तो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन किया है, और यही कारण है कि बाकी सारे कंट्रीज के साथ में चाइना के रिलेशन इतने खराब क्यों हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड नहीं सोचता है। ओके
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये हमारा आईडी है 206। तो देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन हमें सोचनी है कि एन इकोलॉजिस्ट स्टडिंग मॉलस्क है ना, वो मॉलस्क का अध्ययन कर रहा है, कॉन्क्लूडेड दैट देर इज़ ए कॉरिलेशन बिटवीन द थिकनेस ऑफ सेल, कि उसका जो कवच है, कवच की मोटाई कितनी है, क्योंकि जो मॉलस्क हैं उनके अंदर एक्जोस्केलेटन पाया जाता है ना, तो उसके कवच की मोटाई क्या है और उसका वजन कितना है। तो दो चीज़ें आ गई, एक उसमें कवच कितना मोटा है और एक उसका वजन कितना है, ठीक है। हालांकि उसके वजन में उसके कवच का वजन भी शामिल होगा। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वन कैन कंक्लूड दैट, ठीक है, जनरली तो हमें पता है कि जो हल्के वजन वाले मॉलस्क होंगे उनमें कवच भी पतला होगा, और जो भारी वजन वाले मॉलस्क होंगे उनमें कवच भी मोटा होगा, ये तो जनरली हम कॉन्क्लूड कर ही सकते हैं, लेकिन हमारे स्टेटमेंट्स में क्या बातें दी हुई हैं उन पे हम जाएंगे और उनके अकॉर्डिंग सोचेंगे। ओके, देखिए, हैवी मॉलस्क जिनका वेट ज़्यादा है आर बेटर डिफेंडेंट फ्रॉम अटैक बाई प्रेडेटर्स, क्योंकि जो मोटे हैं, जो भारी हैं, उनके पास थिकनेस भी तो है, कि वो थिक भी हैं, और थिक हैं तो उनका प्रेडेशन कम ही होगा, तो वो बेटर डिफेंडेंट है। यस, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, हेवियर मॉलस्क आर पुअरली डिफेंडेंट फ्रॉम अटैक्स, तो पुअरली डिफेंड तो कैसे हो सकते हैं, वो तो बेटर डिफेंड रहेंगे, ठीक है ना, पुअरली डिफेंड कैसे होंगे, जिनका कवच मोटा है तो उनको तो उससे प्रोटेक्शन मिलेगी, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है स्टेटमेंट। फिर था कि मोस्ट लाइकली देर इज ए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू ट्रैट, तो ये दोनों ट्रैट हैं, ये ट्रैट वन है, ये एक लक्षण हो गया, ये एक दूसरा लक्षण हो गया, और उनके बीच में जो रिश्ता है वो है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, देखिए क्या है कि जैसे कोई मॉलस्क है तो उसको कोई प्रेडेट करेगा, प्रेडेटर, तो प्रेडेटर जब मॉलस्क को कैप्चर करना चाहते हैं तो मॉलस्क को एस्केप बिहेवियर क्रिएट करना पड़ेगा, इसको बचने के लिए कुछ इवोल्यूशन में चेंजेस करने पड़ेंगे, वो जो होगा उसके पास दैट विल बी एस्केप बिहेवियर, और एस्केप बिहेवियर के अंदर वो अपने कवच की मोटाई का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो मॉलस्क होंगे उनमें से जो थिक थिक सेल वाले जो मॉलस्क हैं वो बचेंगे, क्योंकि उनको प्रेडेट नहीं किया जाएगा, और जिनके कवच पतले हैं उनको प्रेडेट कर लिया जाएगा, तो आफ्टर प्रेडेशन जो मोटे कवच वाले हैं वो सरवाइव करेंगे, और वो सरवाइव करेंगे तो वो ही रिप्रोड्यूस करेंगे, और आने वाली पीढ़ियों के अंदर जो थिकनेस है वो इंक्रीज ही होगी, तो ये तो इवोल्यूशन का मैटर है कि प्रेडेटर की वजह से मोटे कवच वाले धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, और कवच का मोटा होना करैक्टर जो है ये अगली पीढ़ियों के अंदर और स्ट्रांग होता चला जाएगा, तो ये एक प्रकार का कोज इफेक्ट है कि अगर प्रेडेशन ना होता तो ये मोटाई नहीं आती, ठीक है, क्योंकि प्रेडेशन नहीं होता तो फिर ये मॉलस्क अपने बायोमास को कवच में क्यों लगाता, वो तो अपनी बॉडी में लगाता है ना, या वो जो प्रोजेनी प्रोड्यूस करने का मैटर है उसमें लगाता, तो उसने कवच के अंदर इसको वेस्ट थोड़ी किया, उसने उसको सोच समझ के लगाया है प्रेडेशन से बचना, तो प्रेडेशन एक कोज है, तो प्रेडेशन हुआ है तो फिर दूसरा ट्रेट है ना, दूसरा ट्रेट उसके इफेक्ट के रूप में डेवलप हुआ है कि कवच की मोटाई, तो श्योरली इट इज़ ए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, तो ये बात ज़्यादा सही है। ठीक है, ये बात भी सही थी लेकिन ये बात उससे भी ज़्यादा सही है, तो काफ़ी बार हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे तो कह रहे कि कॉन्क्लूड करना है कि यस एक कॉज इफेक्ट के कारण से ऐसा हुआ है, एंड वेट एंड थिकनेस आर वेरिएबल ट्रेड्स इन मॉलस्क पॉपुलेशन, कि वेट एंड थिकनेस है वो उनमें वेरिएशन मिल सकता है, तो ये तो अलग अलग वेट अलग अलग थिकनेस के साथ में हो सकते हैं, ये बात कुछ हद तक सही भी है, और कुछ जगह पे वेट और थिकनेस है कि एक वेट के साथ में थिकनेस कुछ अलग प्रकार की हो, ऐसा अप्लीकेबल कई बार नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कि बाकी सारी चीज़ों के अंदर से, जैसे पुअरली डिपेंडेंट इसको तो हम डायरेक्टली खारिज कर सकते हैं कि ये तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये तो काम ही नहीं कर रहा है, बाकी चीज़ें भी ठीक है, लेकिन उनमें से भी देखें तो कॉज इफेक्ट जो रिलेशनशिप है वो इसको इवोल्यूशनरी स्केल के ऊपर समझा सकता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट हियर।
ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और यहाँ पे देखिए, हम बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ स्ट्रेट रैट इज मोस्ट लाइकली इन अ रोडेंट स्पीसीज व्हेन स्नैक्स प्रीफर टू प्रे अपॉन लार्ज ओल्डर इंडिविजुअल्स। तो ये कोई रोडेंट है और इसको कोई स्नैक कैप्चर करता है, और ये जो स्नैक्स हैं वो किसको प्रीफर करते हैं? दे प्रीफर प्रे अपॉन लार्ज। तो अगर रोडेंट लार्ज आकार का है और ओल्डर है, तो जो ज़्यादा एज के हैं और जो बड़े हैं उनको स्नैक प्रीफर करता है, ज़्यादा प्रीफर्ड। ठीक है, दैट ग्रो कंटिन्यूसली ओवर देयर लाइफ स्पैन। तो जो ज़्यादा उम्र के हो जाएंगे वो बड़े हो जाएंगे, और तो उनमें बायोमास ज़्यादा है, तो जो स्नैक है वो ऐसे ज़्यादा उम्र के और बड़े जो रोडेंट्स हैं उनको पसंद करता है। तो लाइफ स्ट्रीट रेट क्या होनी चाहिए? तो अगर जो प्रेडेटर है, क्योंकि स्नैक तो इसका प्रेडेटर हो गया, तो प्रेडेटर की साइड से प्रेशर कहाँ आ रहा है कि बड़ी साइज उसको पसंद है, तो रोडेंट को क्या करना पड़ेगा? छोटी साइज में रहना पड़ेगा, स्मॉल साइज। और ओल्डर एज की बजाय उसको यंग रहना पड़ेगा, यानी कि एज को कम करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि छोटे आकार के हों और जल्दी ही मतलब बड़े ना बने और जल्दी ही रिप्रोड्यूस करें, तो अर्ली रिप्रोडक्शन। अगर अर्ली रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनके बच्चे भी छोटे होंगे, और वो भी अगर अर्ली रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनके बच्चे भी छोटे होंगे, तो स्नैक उनको प्रेफर कम करेगा। तो स्नैक से बचने के लिए रोडेंट को क्या लाइफ स्ट्रेट रेट इवॉल्व करनी चाहिए? तो अर्ली रिप्रोडक्शन, ये बात सही है, एंड स्लो ग्रोथ रेट। यस, क्योंकि अगर ग्रोथ रेट ज़्यादा हुई तो लार्ज हो जाएगा, और लार्ज होते ही स्नैक उसको कैप्चर कर लेगा, तो ये दोनों चीज़ें सही है। डिलेड रिप्रोडक्शन, ये बात गलत है, एंड फास्ट ग्रोथ रेट, ये तो बिल्कुल भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता। डिलेड रिप्रोडक्शन एंड स्लो ग्रोथ रेट, अगर डिलेड रिप्रोडक्शन लेंगे तो उसकी साइज बड़ी हो जाएगी, उसके ऑफस्प्रिंग बड़े बनेंगे, तो डिलेड रिप्रोडक्शन तो लेंगे नहीं। अर्ली रिप्रोडक्शन ठीक है, लेकिन फास्ट ग्रोथ नहीं ले सकते। तो दिस इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज कम्प्लीटली राइट, कि उस रोडेंट को क्या करना पड़ेगा, रिप्रोड्यूस भी जल्दा करना पड़ेगा और उसकी ग्रोथ कंपेरेटिवली स्लो होनी चाहिए, वरना तो अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो स्नैक उसको कैप्चर करने लग जाएगा। इसके बाद में हम पार्ट सी के क्वेश्चंस पे चलते हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये इवनिंग वाले पेपर में पार्ट सी वाले हिस्से में थे। और देखिए, पार्ट सी में काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, और क्वेश्चंस का लेवल है वो भी एक नॉर्मल लेवल हम मान सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिपिकल बातें यहाँ पे नहीं पूछी गई थी, कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें थी और कुछ ऐसी थ्योरेटिकल बातें हैं जिनको हम थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, राइट। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 264 की। द वेस्टर्न घाट, ठीक है, डब्ल्यू जी से बता रखा है, इज इस 1600 किलोमीटर माउंटेन चैन अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, उस पेनिनसुलर इंडिया के अंदर जो वेस्ट कोस्ट है, उस वेस्ट कोस्ट के अंदर एक माउंटेन चैन है, इज द वेस्ट कोस्ट। विच इंटरसेप्ट द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, कि जो साउथ वेस्ट, क्योंकि साउथ वेस्ट ये साइड है, दिस साइड, और साउथ वेस्ट से जो मानसून विंड्स आती हैं उनको इंटरसेप्ट करता है। एंड मानसून स्टार्ट्स इन द साउदर्न वेस्ट वेस्टर्न घाट एंड मूव्स प्रोग्रेसिवली नॉर्थ एंड रिट्रीट इन द रिवर्स डायरेक्शन। जो मानसून की हवाएं हैं वो यहाँ से आएंगी और साउथ के अंदर बारिश होती है, और फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और फिर रिट्रीट बैक। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मानसून, ठीक है। तो मानसून यहाँ पे बारिश करेगा, यहाँ पे खूब सारी रेन होती है, और बाद में ये रिट्रीट हो जाता है, डायरेक्शन उसकी रिवर्स हो जाती है। द साउदर्न वेस्टर्न घाट, ये साउदर्न पार्ट हो गया इसका। द साउदर्न वेस्टर्न घाट रिसीव्स सम रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून, ऐसे नॉर्थ ईस्ट मानसून भी है,
दिस इज द नॉर्थ ईस्ट, यहाँ उससे भी रेनफॉल होती है. मीन्स जो साउदर्न पार्ट है, जो साउदर्न वेस्टर्न घाट है, वहाँ पे रेन ज़्यादा है. और जो नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे रेन कम है, यहाँ पे रेनफॉल कम है कंपैरेटिवली. तो वेस्टर्न घाट के एरिया को हम साउदर्न और ईस्टर्न दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. और साउथ वाले के अंदर रेनफॉल ज़्यादा है, और दोनों ही जो मानसून करंट्स हैं वो यहाँ पे रेनफॉल करते हैं. तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, कि ये इंफॉर्मेशन आपको यूज़ करनी है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी इनकरेक्ट, तो कौन सी बात गलत है वो आपको यहाँ से आंसर के रूप में निकालना पड़ेगा. ठीक है, देखिए, वेजिटेशन जो है, वेजिटेशन इन साउदर्न वेस्टर्न घाट एक्सपीरियंस ए मोर सीजनल क्लाइमेट. ठीक है, सीजनल क्लाइमेट जो होता है, कि सीजन्स बनना, जैसे एक सीजन के अंदर एक्सट्रीम कंडीशन हो, दूसरी में फिर अलग प्रकार की कंडीशन आए, तो जितना हम साउथ की तरफ जाएंगे उतना जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है, ना कि सीजनल है. तो जो साउदर्न वेस्टर्न घाट है, साउदर्न वेस्टर्न घाट है, वहाँ पे सीजनल, सीजनल का मतलब टेम्परेट होता है. तो टेम्परेट नहीं है, ये जो आपका मोस्ट साउदर्न पार्ट और श्रीलंका वाला पार्ट है वो तो ट्रॉपिकल एरिया में काउंट होते हैं. तो सीजनल टेम्परेट को बता, तो सीजनल गलत है यहाँ पे. और लगभग यहाँ पे तो साल भर बारिश होती रहती है, तो ये वेस्ट ट्रॉपिकल जैसा ही है, सीजनल ये है ही नहीं. तो वेजिटेशन जो साउदर्न वेस्टर्न घाट में, वो सीजनल नहीं है, वो ट्रॉपिकल है. तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. हमें रॉन्ग ही बताना, तो आंसर तो यही होगा हमारा, है ना. वेजिटेशन इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट एक्सपीरियंस ए मोर सीजनल क्लाइमेट. यस, यहाँ पे सीजन्स बनती हैं, ये हमारा जो ट्रॉपिकल है उससे ऊपर है. तो यस, ये बात तो सही है कि ये एक सीजनल एरिया होगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. जनरली लेस सीजनल एरियाज टेंड टू हैव हायर प्लांट डाइवर्सिटी. लेस सीजनल एरियाज, लेस सीजनल एरियाज का मतलब क्या है? जहाँ पे सीजन्स कम बनती है, यानी कि ट्रॉपिकल एरिया, यानी कि साउदर्न एरिया. तो ट्रॉपिकल का मतलब क्या है? साउदर्न एरिया हैव हायर प्लांट डाइवर्सिटी. यस, यहाँ पे डाइवर्सिटी हाई ही होती है. सो ट्री डाइवर्सिटी विल डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन द वेस्टर्न घाट. तो अगर आप वेस्टर्न घाट में नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, तो क्या डाइवर्सिटी ट्रीज की कम होगी? क्योंकि ज़्यादा जो पानी है वो ट्रीज को बनाता है, और पानी साउथ में ज़्यादा है, नॉर्थ में कम है. तो क्या ट्रीज की डाइवर्सिटी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे हम कॉन्टिनेंट के अंदर तो कम हो जाएगी? यस, ये बात भी सही है. ट्री स्पीसीज इन नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट विल हैव टू हैंडल लॉन्गर ड्राई सीजन्स, क्योंकि यहाँ पे तो एक बार ही बारिश होती है, उसके बाद में हवाएं घूम जाती हैं, तो ड्राई सीजन यहाँ पे आता है. तो ये बात भी सही है. देन स्पीसीज फाउंड इन द साउदर्न वेस्टर्न घाट, वहाँ पे तो दोनों डायरेक्शन से हवाएं बारिश करती हैं, रेनफॉल होता है, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल और हैवी रेनफॉल एरिया, तो वहाँ पे ड्राई सीजन नहीं है. तो दिस इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. वेजिटेशन इन द साउदर्न वेस्टर्न घाट एक्सपीरियंसेस ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ना कि सीजनल क्लाइमेट. ओके, तो थोड़ा सा हमें आइडिया हो, और हम इकोलॉजी की जो बातें हैं और क्लाइमेटिक सिचुएशंस जो होती हैं, जो कि हम रूटीन क्लास में पढ़ते हैं, उनको अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से हम कर सकते हैं. ओके, देन दिस इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, और ये देखिए कोरल्स को लेकर के है क्वेश्चन नंबर 265 आईडी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोरल्स इज नॉट करेक्ट. तो कोरल्स के लिए गलत स्टेटमेंट आपको बताना है. देखिए, जो कोरल्स हैं, और इंडियन कॉन्टिनेंट कोरल्स के लिए जाना भी जाता है, क्योंकि जो अंडमान और निकोबार का एरिया है वो रिचेस्ट कोरल बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है पूरे ग्लोब के अंदर. तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कोरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और दूसरा, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है, कि पिछले टाइम के अंदर क्लाइमेटिक चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो हुई है, उससे ओशन टेम्परेचर जो राइज हुआ है, उसका सबसे बड़ा जो डेक्लाइन देखने को मिला है वो कोरल्स के पॉपुलेशन में ही देखने को मिला है.
और बाकी सभी बाकी जो टैक्सा हैं उनमें भी दिक्कत आई है, लेकिन कोरल्स में ये डेक्लाइन बहुत सीवियर है। तो बायोडाइवर्सिटी थ्रेट, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, उनके एंगल से भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कोरल्स हमारे लिए। और इंडियन कॉन्टिनेंट की जो रिचनेस है, डाइवर्सिटी, उसमें कोरल्स बहुत बड़ा एक हमारे लिए तो अच्छी बात है कि इंडियन कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है अंडमान निकोबार। लेकिन फिर हम बात करेंगे कि कोरल्स को लेकर के गलत स्टेटमेंट क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। कोरल्स पजेजे स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स, जिनको कि हम निमेटोसाइट्स बोलते हैं, इन देयर टेंटेकल्स फॉर कैप्चरिंग प्रेस। तो यस, कोरल्स जो हैं उनके जो स्पेसिफिक टेंटेकल्स हैं, वो टेंटेकल जिनको कि हम निमेटोसाइट्स बोलते हैं, ये एक प्रकार की स्टिंगिंग सेल्स ही होते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, और इनकी वजह से ही ये जो इनके प्रे हैं उनको कैप्चर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट इज राइट। सेवरल कोरल्स हैव म्यूचुअलिस्टिक इंट्रैक्शन विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जू जैनथेली है, दैट फोटोसिंथेसाइज एंड पास सम ऑफ द फूड टू देयर होस्ट। तो सिम्बायसिस के रूप में जो जू जैनथेली है वो इनके बॉडी में पाए जाते हैं। ये बात म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर वाली भी इनके लिए बिल्कुल से सही है। रिप्स फॉर्म व्हेन कोरल्स ग्रो इन सैलो वाटर, कि जो जहाँ पे पानी की गहराई कम होती है, क्लोज टू द सोर्स, यानी कि जो समुद्र के किनारे जो होते हैं, किनारों के आसपास पानी की गहराई कम होती है, वहाँ पे कोराल की रीप्स बनती हैं। ये बात भी सही है, कोराल रीप्स। एंड ऑल कोराल्स ग्रो ओनली इन फोटिक जोन्स एज दे नीड सनलाइट फॉर देयर ग्रोथ। तो सभी कोरल्स हैं उनको ग्रोथ के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, और वो केवल फोटिक जोन में ही पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है जो डीप सी, जो कि एफोटिक जोन होता है, एफोटिक जोन जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है, वहाँ पे भी जो कोरल्स हैं वो पाई जाती हैं। तो ऑल कोरल्स गलत हो जाएगा, कि कोरल्स मेनली जो सैलो वाटर है उसमें बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं, लेकिन जो डीप वाटर है जहाँ पे कि एफोटिक सिचुएशंस होती हैं, वहाँ पे भी कोरल्स हैं वो मेंटेन होती हैं। तो दिस इज द रॉन्ग एंड दिस विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। चलिए इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और देखिए, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस लास्ट पेपर्स में बहुत बार रहते हैं। हमें बायोडाइवर्सिटी की चीज़ें पता होनी चाहिए और थोड़ा सा उनके बारे में आइडिया होना चाहिए, तब हम ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि इंडियन बायोस्फीयर रिज़र्व, ये तो कॉलम बी में तो आपको दे रखा है बायोस्फीयर रिज़र्व, और वहाँ का की फौना क्या है ना, तो मैन एनिमल क्या है वहाँ के, वो हमें सेकंड वाले कॉलम में दे रखे हैं। हमें इनको कोरिलेट करना है, करेक्ट मैचिंग करनी है। तो कौन से बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन से पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, ये थोड़ा ओके। तो देखिए, ये तो हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और ये यहाँ का फौना हमें बताया हुआ है। तो बस हमें कोरिलेट करना है और हमें पता होना चाहिए कि कौन से बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर मेनली जो प्रोटेक्टेड जो एनिमल्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, देखिए, जो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो मस्क डियर है, ये एक्चुअल में जो एरिया है हमारा दिहांग डिबांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो डिहांग डिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ पे जो कस्तूरी मर्ग है ना, मस्क डियर, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो दिस इज बी फर्स्ट। ऐसे अगर हम बात करें कि जो गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की जो खाड़ी है, ये एक्चुअल में जो हमारा केरला और जो श्रीलंका है उसके बीच का जो गैप है, वहाँ पे मन्नार की खाड़ी है। और वहाँ पे जो एक्वेटिक मैमल है, दिस इज द डुगोंग, ये उसका प्रोटेक्टेड एरिया है। दिस इज एक्वेटिक मैमल। दिस विल बी ए फॉर थाईलैंड।
हैड। और ऐसे अगर हम बात करें कि जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, खारे पानी का जो मगरमच्छ है, मगर दैट इज इन ग्रेट निकोबार। तो जो हमारा अंडमान निकोबार के अंदर निकोबार एरिया है, वहाँ पे साल्ट क्रोकोडाइल, ये उसका कंजर्वेशन एरिया है। दिस इज सी सेकंड। इसके बाद में जो बात आती है, हमारा जो लॉइन टेल्ड मकाक है, एक हमारा जो स्लेंडर लॉरिस है। अगर हम बात करें कि हमारा जो सेसाचलम हिल्स है, ये एक्चुअल में क्या है कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का पार्ट है ये। और यहाँ पे स्पेसिफिकली जो स्लेंडर लॉरिस है, ये इसका प्रोटेक्टेड एरिया है। दिस इज D5। एंड जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये लॉयन टेल जो मकाक है, इन बंदरों के प्रोटेक्शन एरिया के लिए जाना जाता है। दिस इज E4। तो स्पेसिफिकली जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु आ जाएगा, साथ में कुछ केरला का पार्ट है और कुछ कर्नाटका का पार्ट है, वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इंक्लूड है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली जो लॉयन टेल्ड मकाक है, इनका कंजर्वेशन एरिया है। तो जो एंडेमिक स्पीसीज हैं, कुछ थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया होने पे हम इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। तो ए फॉर थैड एंड बी फेस्ट, ये आपके ऑप्शन नंबर फेस्ट में सारे दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर फेस्ट विल बी राइट हियर। देखिए, ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम समझेंगे कि प्रोटेक्टेड एरिया हमें दिया हुआ है, और फिर उसके डिस्क्रिप्शन और वो कौन से टाइप का प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है और वो उसका डिस्क्रिप्शन क्या है और पर्टिकुलर कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं, थोड़ा बहुत हम यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट वगैरह भी थोड़ा लगा सकते हैं, कुछ चीज़ें हम कोरिलेट कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। देखिए, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, जिसमें कि आसाम का एरिया आ जाता है, वहाँ का ये मैटर है। और ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है, ये एक्चुअल में जो एक सींग वाले गैंडे हैं, वन हॉर्न जो राइनोसिरोस हैं, उनका सबसे बड़ा पॉपुलेशन काजीरंगा में पाया जाता है। तो काजीरंगा के लिए D1 उसके लिए फेमस है। और काजीरंगा जो एरिया है, वो एक्चुअल में जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इनमें इंक्लूड है। तो दिस इज ए T2 प्रोटेक्टेड एरिया, T2 कैटेगरी का है, जिसमें कि यूनेस्को द्वारा निर्धारित जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनको ये प्रोटेक्ट करना कंपलसरी है, और यूनेस्को इनको प्रोटेक्ट करने के लिए फंडिंग भी करता है। और इंडियन गवर्नमेंट काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर यूनेस्को की मदद से जो एक सींग वाले गैंडे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रही है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन कि काजीरंगा के साथ में हमें लेना है D1 और साथ में हमें लेना पड़ेगा T2, है ना, D1 और T2। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें कि जो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, ये एक्चुअल में जो पंजाब और हिमाचल का जो एरिया है, वहाँ पे ब्यास नदी के आसपास का जो एरिया है, दिस द ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व एरिया है। स्पेसिफिकली यहाँ पे बहुत सारी जो थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं ना, थ्रेटन्ड स्पीसीज जैसे कि मैसीर है, फॉग डियर है, स्मूथ कोटेड ऊटर है, ये जो बर्ड्स हैं, और कुछ एंटीलॉप्स हैं, ये इनका प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो दिस इज D3।
और स्पेसिफिकली क्योंकि ब्यास नदी है ना, और नदी के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे पानी के अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, तो एक वेटलैंड साइट है, और वेटलैंड साइट्स को हम रामसर कंजर्वेशन साइट्स के रूप में भी जानते हैं। तो एक रामसर वेटलैंड साइट है, यानी कि ये T1 कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ब्यास के अंदर मेनली प्रोटेक्टेड क्या है, और वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है या रामसर साइट में आता है, तो दिस इज इन द रामसर साइट। ठीक है, ऐसे अगर हम राजस्थान के अंदर जो केवला देव नेशनल पार्क है, अगर हम उसकी बात करें, तो एक्वेटिक बर्ड्स जो हैं, लार्ज नंबर ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स जो कि मेनली माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं, जिसमें कि हम साइबेरियन क्रैंस वगैरह की बातें करते हैं, तो वो यहाँ पे आते हैं। तो दिस इज द होम ऑफ अबाउट D2, और ये भी एक वेटलैंड का एग्जाम्पल है क्योंकि रामसर साइट है, तो ये भी T1 कैटेगरी से बिलोंग करता है। एंड जो मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये जैसे कि टाइगर है, पगमी हॉग है, इंडियन राइनोसिरोस हैं या एशियन एलिफेंट है, ये इनका होम है। और दिस इज D4, और ये भी एक्चुअल में क्या है, दिस इज ए यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट T2। तो स्टेटमेंट्स जो है हमारे वहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और एक लाइन इसमें प्रिंट नहीं हुई कि चूज द नॉट करेक्ट मैच। कि जो सही मैच नहीं है वो आपको इसमें बताना था। तो नॉट करेक्ट के अकॉर्डिंग जैसे अगर हम ब्यास की बात करेंगे तो ये D3 T1 है, तो D3 T1 ये तो सही है। काजीरंगा की बात करेंगे तो ये D1 T2 है, यस ये D1 T2 है, ये भी सही है। केवला देव की बात करेंगे तो ये D2 T1 है, तो ये D2 T2 बता रखा है, तो दिस इज केवला देव नेशनल पार्क, दिस इज D2 एंड T2। क्योंकि रामसर वेटलैंड साइट में आता है तो दिस विल बी रॉन्ग। एंड मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज D4 T1, तो ये भी रॉन्ग है। तो आई होप यहाँ पे तो एनटीए को बोनस देना पड़ेगा भाई, क्योंकि जो केवला देव है वो रामसर वेटलैंड साइट का एग्जाम्पल है, तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मेरे अकॉर्डिंग तो ये यही बोनस होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, जो CSIR की फाइनल की है उसके रिगार्डिंग और उसमें क्या चेंजेस होते हैं वो देखने पड़ेंगे अपन को, लेकिन अभी हम इतना इसमें देख सकते हैं कि यस केवला देव को हम रामसर वेटलैंड साइट के अंदर ही काउंट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। दिस इज द आईडी नंबर 270, और देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है कि पर्टिकुलर कंडीशन हमें बता रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन ब्रेक का कंटिजियस ट्रैक्ट ऑफ नेचुरल हैबिटाट इनटू स्मॉलर पैचेस। कि आपके पास एक बहुत बड़ा एरिया हो और आपने उस एरिया के फ्रेगमेंट्स कर दिए हो, तो उसके छोटे छोटे कई सारे पैचेस बन सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप वेयर ए प्रीवियसली लार्ज फॉरेस्ट हैज बिकम ए मोजेक ऑफ पैचेस, तो छोटे छोटे एरिया बन जाएंगे, तो एक मोजेक बन जाएगा, कहीं पे छोटा पार्ट रहेगा, कहीं पे बड़ा पार्ट रहेगा ना, ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी मेड अबाउट द फ्रेगमेंट साइज एंड इट्स स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। तो फ्रेगमेंट की साइज क्या होगी और वहाँ पे डाइवर्सिटी क्या होगी, उसको लेकर के कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे बताए हुए हैं, और फिर हमें देखना पड़ेगा कि करेक्ट बात क्या है, स्टेटमेंट्स के करेक्ट होने की तरफ हमारा आंसर जाना है। तो चलिए हम देखते हैं कि स्टेटमेंट्स में हमें क्या बताया जा रहा है। देखिए, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स विल ऑलवेज हैव लोअर स्पीसीज रिचनेस देन लार्जर फ्रैगमेंट। तो बड़े फ्रैगमेंट के अंदर स्पीसीज ज़्यादा ही होंगी, छोटे फ्रैगमेंट के अंदर स्पीसीज रिचनेस कम ही होगी। ये बात तो सही है, बिल्कुल से करेक्ट है। स्पीसीज रिचनेस विल डिपेंड ऑन फ्रैगमेंट साइज, स्पीसीज रिचनेस विल डिपेंड ऑन फ्रैगमेंट साइज।
यस, स्पीसीज रिचनेस विल डिपेंड ऑन फ्रैगमेंट साइज। ये बात भी सही है कि स्पीसीज की रिचनेस कम या ज़्यादा होगी वो फ्रैगमेंट की साइज पे डिपेंड करेगी। दिस इज करेक्ट। स्पीसीज रिचनेस विल डिपेंड ऑन फिजिकल कनेक्टिविटी। दिस इज स्पीसी रिचनेस विल डिपेंड ऑन फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन फ्रैगमेंट। अगर फ्रैगमेंट्स के बीच में कनेक्टिविटी है तो रिचनेस बड़ी हो जाएगी। यस, अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो रिचनेस कम हो जाएगी। ये बात भी सही है। एंड स्पीसी रिचनेस कैन नॉट बी कंपेयर्ड बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल फ्रैगमेंट, कि हम लार्ज और स्मॉल के अंदर जो रिचनेस है उसको हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये बात तो गलत है। हम कंपेयर कर सकते हैं, लार्ज के अंदर रिचनेस बड़ी मिलेगी, स्मॉल के अंदर रिचनेस कम मिलेगी। तो डी वाला स्टेटमेंट तो गलत है। बट हमें यहाँ पे बताना है कि सेलेक्ट द ऑप्शन वेयर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, देखिए, पहला स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि स्मॉलर फ्रैगमेंट्स विल ऑलवेज हैव लोअर स्पीसीज रिचनेस देन लार्जर फ्रैगमेंट। तो एक हद तक तो ये बात सही है, लेकिन फिर भी चलो हम ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे और वहाँ से देखते हैं कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट। तो दिस इज ए एंड बी। यस, ए एंड बी करेक्ट ही है। बी एंड सी, क्योंकि सी स्टेटमेंट भी हमारा कैसा था, सी स्टेटमेंट भी सही है। एंड ए एंड सी दिस इज अगेन राइट। ए एंड सी एंड बी एंड डी, बी एंड डी, तो यहाँ पे डी स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, वो तो यही आएगा बी एंड डी, राइट। लेकिन एंटी ने इसका आंसर बी एंड सी माना है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो बी एंड सी स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है, लेकिन ए में क्या गलती हो सकती है, क्योंकि स्मॉलर फ्रैगमेंट्स विल ऑलवेज हैव लोअर स्पीसीज रिचनेस एंड लार्जर फ्रैगमेंट। तो हम यहाँ पे ऑलवेज को लेकर के इशू इसमें इनपुट कर सकते हैं कि किसी छोटे एरिया के अंदर भी ज़्यादा स्पीसीज हो सकती है और एक बड़े एरिया के अंदर कम स्पीसीज आए, क्योंकि फ्रैगमेंट तो रैंडमली हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो ऑलवेज ही ऐसा हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो यस, इस लेवल के ऊपर हम स्टेटमेंट ए को रॉन्ग कर सकते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट है वो बी एंड सी ही राइट बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2107 एंड आईडी हमारी तब सही होगी जब हम किसी एरिया को फ्रैगमेंटाइज करें। तो कोई जरूरी नहीं है कि छोटे एरिया में कम स्पीसीज हैं, छोटे में ज़्यादा भी आ सकते हैं, बहुत बड़े एरिया में कम स्पीसीज भी आ सकती है। ठीक है, मान लो कि एक एरिया ऐसा था जिस एरिया के अंदर यहाँ पे एक स्पीसीज वाले ज़्यादा थे और फ्रैगमेंट बना, तो इस फ्रैगमेंट के अंदर तो एक स्पीसीज ही आएगी। और ऐसे कोई दूसरा एरिया था, इसमें यहाँ पे अलग अलग प्रकार की स्पीसीज मिलती थी, तो अगर इसका फ्रैगमेंट छोटा भी बना तो भी क्या है, इसमें ज़्यादा स्पीसीज आ सकती है। तो हमेशा ही छोटे एरिया में कम स्पीसीज आएंगी, ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं हो सकता। हाँ, एज ए जनरल कम आनी चाहिए, ये बात ठीक है। तो बी एंड सी राइट हो जाएंगे, क्योंकि ए गलत है, तो ए वाला नहीं ले सकते और डी वाला नहीं ले सकते। तो ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। ठीक है, देखिए, इसके बाद में ये अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन आई डी 271 वाला जो है, ये मुझे काफ़ी खुशी हो रही है इस क्वेश्चन को देख करके, क्योंकि लास्ट पेपर में भी ऐसा ही क्वेश्चन ओजोन होल से जुड़ा हुआ आया था और हमारा जो क्वेश्चन डिस्कशन था उसमें भी हमने इस चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और हमारा जो इकोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कशन का बुकलेट है, इस बुकलेट में भी इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से बता रखा है। तो अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने उस बुकलेट को यूज़ किया है तो ये क्वेश्चन आपने श्योरली ही सही किया होगा। तो चलिए अपन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हमें किस प्रकार से आंसर वो देना है। ओके, ना, तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो रहा है एंड इट्स सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स, इसमें जो चेंजेस हुए हैं, हैव रिजल्टेड इन रिड्यूस्ड ओजोन डिप्लीशन।
इसके बाद में जो कंट्रीज हैं उन्होंने ओजोन डिप्रेशन के लिए स्टेप्स लिए हैं, और ओजोन डिप्रेशन को कम करने के लिए जो एफर्ट्स हैं वो सभी कंट्रीज कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ओजोन डिप्रेशन ओवर द साउथ पोल इज मच मोर सीवियर देन ओवर द नॉर्थ पोल। तो अगर हमारी पृथ्वी का जो साउथ पोल है तो वहाँ पे ओजोन डिप्रेशन है वो सीवियर है, कि ओजोन की जो लेयरिंग है उसमें थिकनेस में कमी यहाँ पे ज़्यादा ही, हालांकि कमी तो नॉर्थ पोल में भी है लेकिन सीवियर कहाँ पे है, साउथ पोल पे। यहाँ पे ओजोन की मात्रा ज़्यादा कम है, ओजोन की परत की मोटाई जो है उसमें कमी होना ना, ये पोल के लिए होल के लिए जाना जाता है। और ऐसे होल या ऐसे ओजोन की पतली परत था ना, ये तो दोनों पोल्स पे है लेकिन ज़्यादा पतली कहाँ पे है, साउथ पोल पे है। इन दिस रिगार्ड है ना, इसी मैटर के अंदर, इन दिस रिगार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये कह रहा है कि ए पोलर वॉर्टेक्स इज फॉर्म्ड अराउंड द नॉर्थ पोल, ठीक है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है ये स्पिन कर रहा है, हमारी पृथ्वी घूम रही है ना अपने एक्सिस के ऊपर, रोटेट कर रही है, तो उसकी वजह से वॉर्टेक्स बनता है ना, कि जो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो मूवमेंट है उसकी वजह से वॉर्टेक्स क्रिएट होता है। और वो वॉर्टेक्स केवल नॉर्थ पोल पे बनता है नहीं, वो तो नॉर्थ एंड साउथ दोनों पे बनता है। तो अराउंड ऑन द नॉर्थ पोल ये बात गलत है, वो नॉर्थ पे भी बनता है, साउथ पे बनता है, और बाकी और जगह है वहाँ भी बनता है। तो दिस इज रॉन्ग। स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर जो है ना, ट्रोपोस्फेयर के बाद में स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है, स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर ओवर द साउथ पोल आर मच लोअर कंपेयर टू द नॉर्थ पोल। यस, जो ओजोन होल का जो बनना है उसके लिए जो टेम्परेचर है, क्लाउड्स का जो टेम्परेचर है वो जिम्मेदार होता है, क्लाउड्स का टेम्परेचर। और क्योंकि जो पर्टिकुलर ओजोन होल जब क्रिएट होता है तो स्ट्रेटोस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और साउथ पोल के ऊपर ये जो कमी ज़्यादा हुई है, या यहाँ पे ओजोन होल ज़्यादा सीवियर बना है, उसके पीछे यहाँ का लो टेम्परेचर है, कि स्ट्रेटोस्फेरिक जो क्लाउड्स हैं, जो टेम्परेचर हैं, लो क्लाउड टेम्परेचर है, वो दोनों पोल्स पे बनते हैं, लेकिन ज़्यादा ठंडे बादल कहाँ बनते हैं, साउथ पोल पे बनते हैं, उनकी वजह से यहाँ पे ओजोन डिप्रेशन ज़्यादा होता है। ये बात सही है कि साउथ के ऊपर वो ज़्यादा बने हैं। एमिशन ऑफ ओजोन डिप्रेटिंग सब्सटेंसेज आर हायर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कि ग्लोब का जो ऊपरी आधा भाग है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो जो कंपाउंड जैसे कि मैनली सीएफसीज वगैरह हैं, तो ये मैनली कि साउथ वाले में ज़्यादा निकले हैं, ये नॉर्थ वाले में कम निकले हैं, ऐसा नहीं है, हायर वैसा कुछ नहीं है, दिस इज ऑल टुगेदर नियरली इक्वल अमाउंट है, कि दोनों ही जो पृथ्वी के गोलार्ध है ना, हेमिस्फेयर, उसके अंदर ये सब्सटेंसेस तो लगभग बराबर बराबर ही हैं। तो एक साइड में ये ज़्यादा है, एक साइड में कम है, ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है आपका, स्टेटमेंट ए भी गलत है, ठीक है, क्योंकि ये जो वोर्टेक्स है ये साउथ पोल के अंदर स्प्रिंग के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग बनता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बनता है ना वो साउथ पोल इन स्प्रिंग सीजन बनता है, तो नॉर्थ पोल में ही बनता है, ये बात तो वैसे ही गलत हो गई थी। देन था कि मोर एक्सटेंसिव फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, जो पीएससीज होते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो बनते हैं ओवर द साउथ पोल कंपेयर टू द नॉर्थ पोल, कि यहाँ पे वो ज़्यादा बनते हैं। यस, ये बात बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट ए इज राइट, स्टेटमेंट बी इज राइट। तो हमें बताना था करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो करेक्ट में हमारे पास आएगा बी एंड डी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में बी एंड डी हमें मिल जाएगा। तो ओजोन होल और ओजोन डिप्रेशन और इसके क्वेश्चन लास्ट पेपर के भी सी पार्ट में रहा था और इस बार भी सी पार्ट में रहा, तो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, और क्लाइमेटिकली तो बहुत इम्पोर्टेंट वैसे है ही, हम जानते हैं, लेकिन हमारे मार्किंग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम चाहेंगे कि आप पीछे के जितने भी क्वेश्चन जो कि डिस्कशन अब बुकलेट में अवेलेबल हैं, आप उन पर जरूर काम करें, ताकि एटलीस्ट हमारे कुछ क्वेश्चन सही होते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।
देन अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन है आईडी नंबर 272। और देखिए क्वेश्चन को देखते आप समझ गए होंगे कि ये जो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ है उस लॉजिस्टिक ग्रोथ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की डिज़ाइन है वो तो इसमें काफ़ी कुछ दिखा रखा है। सी पार्ट के क्वेश्चन ऐसे बड़े बड़े बनाए जाते हैं भाई, लेकिन बात क्या है कि पूछा क्या गया है वो भी तो देखें इसमें क्या पूछ रहा है। पूछा कुछ भी नहीं है, ये कह रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, ये कंपटीशन कितना कम होगा ज़्यादा होगा ना, कैन बी इन्फर्ड, आप उसका पता लगा सकते हो फ्रॉम नोइंग द कैरिंग कैपेसिटी, कि आपको कैरिंग कैपेसिटी का पता हो और पॉपुलेशन साइज का पता हो तो आप समझ जाएंगे कि कंपटीशन कितना स्ट्रॉन्ग है कितना पुअर है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी के पास जाते जाते कंपटीशन सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। तो ये इक्वेशन जो कि लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर पॉपुलेशन साइज में जो चेंज आता है डीएनओ और डीटी उसको एक्सप्लेन करती है, ये भी हम जानते हैं। ओके, देन आफ्टर हमसे बताया जा रहा है कि एज्यूम दैट, कि ऐसा मान लीजिए कि पॉपुलेशंस हैव द सेम इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, यानी कि आर की वैल्यू तो सेम है, आर की वैल्यू तो आपको कैसी लेनी है, सेम लेनी है, एंड कैरिंग कैपेसिटी ये भी सेम लेनी है, कैरिंग कैपेसिटी भी सेम लेनी है। देन एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द सेकेंड टर्म, दिस इज द के माइनस एन ओवर के, तो जो हमारा टर्म है कि कैरिंग कैपेसिटी में से हम पॉपुलेशन कितनी है उसको माइनस करके फिर कैरिंग कैपेसिटी से हम डिवाइड करते हैं, इज द इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन लाइकली टू बी हाईएस्ट। तो हमारा जो के माइनस एन ओवर के की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या दी हुई वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू होनी चाहिए तब हमारा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है वो हाईएस्ट होगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हाईएस्ट होगा। देखिए अभी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने बात की थी कि एन अगर के के बराबर हो जाएगा तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हाईएस्ट हो जाएगा। जैसे मान लो कि कैरिंग कैपेसिटी है 100 और अभी इंडिविजुअल यहाँ पे 90 हो गए तो इस समय पे स्ट्रॉन्ग ही है, अगर इंडिविजुअल 10 होते तो तब वीक ही था, राइट। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हाईएस्ट कब होगा, जब हमारा एन अप्रोचेस टू के, यानी कि नियर टू के हो जाता है, यानी कि एन की वैल्यू के की वैल्यू के आसपास जब चली जाती है तब ये कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो उस समय पे क्या होगा, राइट, आप निकाल सकते हैं कि 100 कैरिंग कैपेसिटी है, 90 अभी आपके हो गए, देन 100 से आप फर्दर डिवाइड करते हैं तो दिस इज 10 ओवर 100, दिस इज 0.1, छोटी होनी चाहिए। और अगर आप दूसरी साइड से इस 10 को यूज़ कर रहे होते तो दिस विल बी 100 माइनस 10 ओवर 100, तो दिस विल बी 90 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.9। मीन्स जब आप पॉपुलेशन को बढ़ाते बढ़ाते कैरिंग कैपेसिटी की तरफ ले जाते हो तो आपका जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू छोटी हो जाती है, और जब वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी तो उस समय पे कंपटीशन सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमें सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, तो यस आपको यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं, तो दिस इज 0.001, दिस इज 0.009, दिस इज 0.15, देन 0.015, तो इनमें सबसे छोटी जो वैल्यू है दिस इज 0.001, तो दिस इज द राइट आंसर। तो जस्ट एक थोड़ा सा आइडिया कि हमने एक पैरामीटर है हम जानते हैं उसको और उसका इम्पैक्ट कैसे आता है, और कंपटीशन तो स्ट्रॉन्ग उसी समय पे होता है जब एन के बहुत पास चला जाता है, लेकिन हमारा पैरामीटर जो के माइनस एन ओवर के है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ये सबसे छोटी होनी चाहिए। ओके, देखिए ये आपका क्वेश्चन आईडी नंबर 273 नंबर का क्वेश्चन आईडी के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पे भी पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के ये सक्सेशन का क्वेश्चन है ना, बायोडाइवर्सिटी से जुड़ी हुई बातें होंगी। द ग्राफ बिलो शो द एक्यूमुलेशन ऑफ स्पीसीज, है ना, तो बायोडाइवर्सिटी का मैटर है कि कितनी स्पीसीज हमें मिल रही है, एक्यूमुलेशन ऑफ स्पीसीज इन टू साइट, दिस इज द साइट ए एंड साइट बी, तो साइट ए के लिए डार्क लाइन है और साइट बी के लिए डैश लाइन है, और वहाँ पे कितनी स्पीसीज आपको मिल रही हैं वो हम ग्राफ से देख सकते हैं। एज मोर प्लॉट्स आर सैम्पल्ड, ठीक है, और प्लॉट्स हैं हम उसमें सैम्पलिंग के अंदर जोड़ दें,
देखिए हमारा जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर तो दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लॉट सैंपल्ड कि हमने कितने सैंपल्स प्लॉट किए, और ये है नंबर ऑफ स्पीसीज कि कितनी स्पीसीज हमें मिली, राइट। तो एरिया वन का जो पैटर्न है, साइट ए का जो पैटर्न है जो कि सॉलिड लाइन से दिखाया हुआ है, अगर हम उसको फॉलो करें तो हमने जैसे जैसे नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ाए वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ी थी, और उसके बाद में लगभग ये वैल्यू कैसे आ गई, फ्लैट हो गया, ग्राफ हमारा फ्लैट हो गया। यानी कि अगर हम और इसमें और भी ऐड करें और सैंपल बढ़ाएं तो लाइन हमारी किधर जानी है, सीधी ही जानी है। यानी कि ये एक्यूमुलेशन जो था कि लगभग यहाँ पे हम देखें तो जो 30-35 के आसपास जो सैंपल्स थे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज जो आनी थी वो आ गई। अब इसमें और ज़्यादा स्पीसीज कोई भी ऐड नहीं हो रही है, तो नो मोर स्पीसीज, दिस इज ए सेचुरेशन। कि अगर हम इस एरिया में और ज़्यादा सैम्पलिंग भी करें और ज़्यादा प्लॉटिंग भी करें तो नंबर बढ़ने वाला नहीं है, इतना ही रहेगा, ये सेचुरेट हो गई है। जबकि अगर हम साइट वी की बात करें जो कि डैश लाइन से दी हुई है तो उसमें अभी सेचुरेशन नहीं आया है ना, ये एक ग्रोथ है और इसके बाद में सेचुरेशन है वो हमें कहीं आगे जा करके मिलेगा, तो दिस इज अनसेचुरेटेड। तो यहाँ वाले केस में अगर हम प्लॉटिंग को बढ़ाएंगे तो हम यहाँ से और ज़्यादा स्पीसीज इसमें ऐड कर पाएंगे, वाई एक्सिस के ऊपर और स्पीसीज इसमें ऐड हो जाएंगी। तो अगर हम प्लॉटिंग को बढ़ाते हैं तो साइट ए के ऊपर तो हमें और स्पीसीज नहीं मिलेंगे, लेकिन साइट बी के ऊपर हमें और स्पीसीज मिलेंगी, राइट। तो ऐसा हमारा ग्राफ का इंटरप्रिटेशन रहेगा। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है, ठीक है। इन बोथ साइट सैम्पलिंग मोर प्लॉट्स विल नॉट ऐड एनी मोर स्पीसीज। तो दोनों में कैसे भाई, ये तो ए में तो नहीं कर सकता लेकिन बी में तो करेगा, तो विल नॉट मोर इन बोथ, नहीं ए में तो नो ऐड आएगा जबकि बी में तो नई स्पीसीज ऐड होनी है, तो बोथ साइड के लिए तो नहीं है, तो स्टेटमेंट इज स्ट्रॉन्ग। सैम्पलिंग मोर प्लॉट्स विल ऐड मोर स्पीसीज इन साइट बी बट नॉट एंड साइट ए, यस ये बात सही है। साइट ए एंड बी आर लाइकली टू हैव सिमिलर स्पीसीज रिचनेस, ये तो नहीं है, अगर सिमिलर होती तो फिर दोनों के पैटर्न एक जैसे आते, तो ये बात तो गलत है। साइट बी इज लाइकली टू हैव हायर स्पीसीज रिचनेस देन साइट बी, यस आप उसमें और प्लॉटिंग बढ़ाएंगे तो आपको और स्पीसीज मिलेंगी, ग्राफ तो आपको ये बता रहा है, इसका मतलब वहाँ पे रिचनेस ज़्यादा है, तो स्टेटमेंट डी इज राइट। तो स्टेटमेंट बी एंड डी ये दोनों राइट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था आपको, फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स में तो ए आपका फॉल्स है और सी आपका फॉल्स है, तो ए एंड सी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें दिया हुआ है। तो काफ़ी क्वेश्चन तो बहुत ही इजी लेवल के होते हैं, तो ऐसा कुछ हमें सोचना ही नहीं पड़ता, बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए ये रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 274। तो ये कुछ ग्लोबल इकोसिस्टम्स हैं उनका डाटा हमें दिया हुआ है, और इसके बाद में कुछ हमें यहाँ पे हल्का सा प्रोसेसिंग करना है, थोड़ा सा समझना है, फिर हम यहाँ के आंसर्स को आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इकोसिस्टम कौन सा है, ठीक है ये रहा, और उसका ग्लोबल एरिया कितना है ना, और वहाँ की नेट जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसका मीन क्या है ना, उसका एवरेज मीन क्या है वो दिखाया हुआ है, और वहाँ पे इकाई एरिया के अंदर मीन बायोमास क्या है वो आपको यहाँ बताया गया है। तो कोई भी एरिया कितना बड़ा है, ठीक है, वहाँ पे एवरेज प्रोडक्टिविटी एनपीपी कितनी है वो है, और वहाँ एवरेज बायोमास कितना है ये आपको यहाँ पे शो है। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, स्वाम्प एंड मार्सेज हैं, कल्टिवेटेड लैंड है, ओपन ओशन है, तो ये हमें चार प्रकार के सिस्टम्स हैं वो बता दिए गए, इनके पैरामीटर बता दिए गए। इसके बाद में हमसे क्या चाह रहा है कि बेस्ट ऑन द डाटा प्रोवाइड इन द टेबल, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है करेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है भाई, ढूंढ लेंगे, दैट रिप्रेजेंट इकोसिस्टम्स विद द हाईएस्ट ग्लोबल प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसको गलती से कॉमा नहीं लगानी चाहिए थी, तो एक तो आपको क्या ढूंढना है, हाईएस्ट ग्लोबल प्राइमरी प्रोडक्शन, कि हाईएस्ट ग्लोबल प्राइमरी प्रोडक्शन कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे हाईएस्ट जो है प्राइमरी प्रोडक्शन वो कहाँ होगा,
एक तो ये पार्ट आपको ढूंढना है, और दूसरा आपको ढूंढना है कि हाईएस्ट रिलेटिव नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और फिर बाकी से कंपेयर करते हुए, रिलेटिव रिलेटिव का मतलब बाकी से कंपेयर करते हुए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए, जो इंटरप्रिटेशन आपको जिस प्रकार से करना है, या जो डाटा हम यूज़ करेंगे यहाँ पे उसको कैसे काम में लें, इसे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो वन थिंग, जब आपको बताना है कि टोटल जो ग्लोबल लेवल के ऊपर कितना प्रोडक्शन कौन से इकोसिस्टम में हो रहा है, तो इसके लिए दो चीज़ें आपको काम में लेनी है। एक तो आपको लेना है कि वहाँ पे एवरेज एनपीपी या मीन जो एनपीपी की वैल्यू है वो क्या है, ठीक है। ये तो आपका कॉलम नंबर वन हो गया, ये कॉलम नंबर टू हो गया, ये कॉलम थर्ड है और ये कॉलम फोर्थ है। तो मीन एनपीपी ये तो कॉलम नंबर थर्ड में आपको दी हुई है, और ये तो हो गया कि वहाँ पे एवरेज कितना बन रहा है, ठीक है ना, पर ईयर। ये देखो ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में बता रखा है, तो एक साल में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने ग्राम बायोमास क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, वो वैल्यू वहाँ पे कॉलम थर्ड में है। और फिर ये तो इकाई एरिया में है ना, एक साल में 1 मीटर स्क्वायर में कितना बन रहा है, और फिर हमारा ग्लोबल एरिया है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कि ऐसे एरिया दुनिया में है कितने बड़े ना, ग्लोबल एरिया, तो दैट इज कॉलम टू। तो कॉलम थर्ड के अंदर तो एक टाइम के अंदर एक एरिया कितना बनाता है उसका एवरेज है ना, डाटा का एवरेज है वो तो मेन। और ऐसे ही ग्लोबल एरिया की, वो एरिया छोटा है या बड़ा है वो आपको बता रखा है। तो अगर हम इनको यूज़ करेंगे, कॉलम नंबर थर्ड एंड कॉलम नंबर सेकंड वाले को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे हमारे पास एक टोटल स्केल कि पूरे ग्लोब के ऊपर एरिया कितना बड़ा हो गया और उसमें टोटल कितना बनता है वो आ गया वहाँ पे। तो दैट विल बी हाईएस्ट फॉर ओपन ओशियन, क्योंकि जो फिगर है 332, ये 10^6 किलोमीटर स्क्वायर, उसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, देन 127 ये ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू 332, ये काफ़ी बड़ा है, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू इन्हीं के लिए आनी है। अगर आप कैलकुलेट ना करें तो डायरेक्टली वैसे भी आप एज्यूम कर सकते हैं कि इनके वैल्यूज़ और इनके वैल्यूज़ में बहुत बड़ा अंतर आना है, राइट। जैसे यहाँ पे ये 4 डिजिट्स में है, ये 2 डिजिट्स में है, ये 4 है, ये 1 डिजिट है, ये 3 है, 2 है, दिस इज 3 एंड 3, तो वैल्यू कितनी ज़्यादा चेंज हो जाएंगे ना, बहुत बड़ा वैल्यू इन्हीं के लिए आना। तो दैट शुड बी ओपन ओशियन, कि ओपन ओशियंस हैं वो ग्लोब में सबसे बड़ा एरिया उनका, और उसकी वजह से यहाँ साल भर में जो बनता है वो बहुत ज़्यादा है, ग्लोबल हाईएस्ट इनके पास आएगा। देन हाईएस्ट रिलेटिवली एनपीपी, और फिर कितना बायोमास है, इकाई जो यूनिट एरिया है उसमें बायोमास है वो आपको फोर्थ में दे रखा है, कॉलम नंबर फोर्थ के अंदर बायोमास दे रखा है यूनिट एरिया के अंदर। तो कितने से हैं और वो कितना बनाते हैं, 2 एंड 3 तो कितना बनाते हैं ये हो गया आपके पास, और कितने से बायोमास का मैटर है ये, दिस इज सेकेंड वाला। तो यहाँ पे सबसे कम बायोमास यहीं पे है, कि सबसे कम बायोमास है और सबसे ज्यादा बना करके देता है, दिस इज द हाईएस्ट रिलेटिव एनपीपी। तो दिस इज अगेन फॉर ओपन ओशियन। तो टोटल कितना बना है, और जो बनाने वाले हैं उनके रिफरेंस में देखें तो सबसे ज्यादा कौन से बना रहे हैं, वो भी ओपन ओशियन वाले हैं। तो दोनों ही जो आंसर हैं वो आपके ओपन ओशियन रहने हैं। तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ में आपको बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी राइट। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, और इसका जो आईडी है दिस इज 275। देखिए, ये भी एक कम्युनिटी का प्रेजेंटेशन है कि इंट्रैक्टिंग प्लांट्स हैं, ये तो आपके प्लांट्स हैं ए से लेकर के जेड तक, और ये उनके इंसेक्ट हैं जो उनको हर्बीवोरी दे रहे हैं, या उनका हर्बीवोरी इंट्रैक्शन है, तो दे आर इंसेक्ट, ठीक है। ये पी से लेकर के वाई, इन ए कम्युनिटी जो हमें किस प्रकार से कौन किसको ईट करता है वो यहाँ पे एरो वाले निशान से हम समझ जाएंगे, ठीक है।
देखिए, सबसे पहले तो ये ए से लेके जेड तक ये 10 स्पीसीज हैं प्लांट्स की और ये 10 स्पीसीज हैं इंसेक्ट की। तो 10 स्पीसीज के प्लांट्स आपके पास हैं और 10 स्पीसीज के इंसेक्ट हमने ले लिए। कौन किसको फीड करता है वो ये जो लिंक्स हैं, एरो लाइंस हैं, इनसे हम समझ जाएंगे कि कौन किस किस को फीड करता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो नेटवर्क के बारे में है। पहला तो ये था कि इंसेक्ट्स आर मोर स्पेशलाइज्ड देन प्लांट्स, कि इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट्स की तुलना में ज़्यादा स्पेशलिस्ट है, स्पेशलाइज्ड है। तो जस्ट लैंग्वेज को समझना है कि इंसेक्ट्स प्लांट्स के साथ में यहाँ जो दिखाया हुआ है वो है केवल हर्बीवोरी, कि कौन सा इंसेक्ट कौन से पौधे को खाता है, ये बात हमें यहाँ से नेटवर्क में दिखाई गई है। तो खाना जो है हर्बीवोरी जो नेचर है उसको लेकर के स्पेसिफिस्ट, कि इंसेक्ट्स हैं वो अपने प्लांट्स को लेकर के स्पेसिफिस्ट ज़्यादा हैं। और दूसरी साइड में ऐसे लगेगा कि कोई प्लांट है उसके ऊपर कौन कौन से इंसेक्ट अटैक करते हैं वो प्लांट की साइड है, तो प्लांट्स ज़्यादा स्पेसिफिस्ट नहीं है, इंसेक्ट्स ज़्यादा स्पेसिफिस्ट हैं। ये चीज़ हमें कैसे महसूस होगी या इस चीज़ को हम हमारे इस नेटवर्क से कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो प्लांट्स हैं उनमें से जैसे कि बी वाला कैप्चर हो रहा है, डी वाला हो रहा है, एफ वाला हो रहा है, जी वाला हो रहा है, एच है, आई है और जे है। तो टोटल 7 स्पीसीज, 10 में से 7 स्पीसीज हैं वो यूज हो रही हैं बाय दीज इंसेक्ट्स। और जो यूज करने वाले हैं दैट आर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दीज आर द 8 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, कि 8 स्पीसीज, 10 में से 8 स्पीसीज किसी न किसी 7 स्पीसीज वालों को यहाँ पे कंज्यूम कर रही है एज ए फूड। ठीक है, इसके बाद में सी प्लांट एक ऐसा है और ए प्लांट एक ऐसा है और ई प्लांट एक ऐसा है जिसको कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे कंज्यूम नहीं कर रहा है, राइट। अगर इनको कोई कंज्यूम नहीं कर रहा है इसका मतलब ये है कि इन प्लांट्स को हमारे जो इंसेक्ट पी से लेकर के वाई है वो अटैक नहीं कर रहे हैं, तो इनको अटैक करने वाले कोई और हैं। अटैक इसी को करना ये भी स्पेशलिस्टी है और इसको अटैक नहीं करना ये भी स्पेशलिस्टी है, तो दी ज़्यादा 3 प्लांट जो इनके द्वारा अटैक नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे आपको इंसेक्ट भी मिलेगा, दिस इज द इंसेक्ट डब्ल्यू एंड इंसेक्ट स्पीसीज वाई। ये किसी भी प्लांट को, ये जो हमारे प्लांट ए से लेकर जेड जे तक हैं इनमें से किसी को भी अटैक नहीं करते हैं, राइट। एंड देन अगर हम स्पेशलिस्ट या स्पेशलाइज की तरफ देखेंगे तो देखो पी एंड क्यू ये बी को करते हैं तो ये दोनों कॉमनली यूज कर रहे हैं, आर एस टी ये तीनों एफ को कंज्यूम करते हैं, यू वी ये दोनों डी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। लेकिन एक जो हमारा इंसेक्ट है एक्स दैट कंज्यूम्स ओनली जे, तो इंसेक्ट्स आर मोर स्पेशलाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 7 स्पीसीज में से एक जो है वो ऐसा स्पेशलिस्ट है जो किसी एक को कंज्यूम करता है और 2 ऐसे हैं जो किसी और को कंज्यूम नहीं करे, किसी को भी कंज्यूम नहीं करे लेकिन उसके बारे में आप बता नहीं सकते कि वो इनको कंज्यूम करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा आप नहीं बता सकते। तो दिस इज द 7 स्पीसीज जो कि कैसी है, स्पेशलिस्ट है। तो इंसेक्ट्स आर मोर स्पेशलाइज देन प्लांट्स, तो ये बात सही हो गई यहाँ से। इसके बाद में दूसरा था कि देर आर नो ऑब्लिगेट इंट्रैक्शन इन दिस नेटवर्क, कि इस नेटवर्क में कोई ऑब्लिगेट इंट्रैक्शन नहीं है। देर इज नो ऑब्लिगेट इंट्रैक्शन, ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कि जीरो ऑप्शन वाली, विथ जीरो ऑप्शन, कि होगा तो बस यही होगा इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं है ना। नो ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है जीरो ऑप्शन, ये तो कहता है कि नो जीरो ऑप्शन, तो यस इसमें एक ऐसा है ना जे एक्स का जो कॉम्बिनेशन है ये ऑब्लिगेट ही है कि ये खाएगा तो बस इसी को खाएगा बाकी और को नहीं खाएगा, तो दिस इज ऑब्लिगेट। तो ये तो गलत बात है कि इसमें तो इस नेटवर्क में एक ऑब्लिगेट इंट्रैक्शन दिखाई हुई है,
राइट, तो ये आंसर बी वाला तो गलत हो जाएगा। द कम्युनिटी इज मॉड्यूलर, मॉड्यूलर का मतलब कि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं। यस, उनमें एक दूसरे के साथ में लिंक्स हैं, वो और ज़्यादा चेंज हो सकते हैं कि कोई दूसरा इंसेक्ट किसी और जो ट्री स्पीसीज है उसके साथ में, जैसे जिनके बारे में नहीं पता कि इनका यहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं है, तो आप यहाँ पे दूसरे प्लांट ऐड करके इसको मॉड्यूलेट कर सकते हो, या इनका यहाँ पे कोई इंसेक्ट नहीं है तो दूसरे इंसेक्ट ऐड करके ये नेटवर्क आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, तो मॉड्यूलेट को किया जा सकता है, तो ये बात भी सही है। मिसिंग लिंक्स, जिनके बारे में नहीं पता, आपको नहीं पता कि ए का क्या है मामला, सी का क्या है, ई का क्या है, ऐसे नहीं पता कि डब्ल्यू का मामला क्या है, वाई का मामला क्या है, मिसिंग लिंक, इनके बारे में कुछ नहीं बताया गया यहाँ पे। मिसिंग लिंक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट द अबसेंस ऑफ एन इंट्रैक्शन, कि मिसिंग लिंक का मतलब ये है कि इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, इसका हमेशा मतलब यही निकलता है, ये बात गलत है, क्योंकि ये मैटर आपको कहाँ बताया गया, कम्युनिटी में बताया गया। जैसे मान लो कि आपने एक एरिया ले लिया और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि दिस इज प्लांट ए, और प्लांट ए के अंदर जो पी है वो हर्बीवोरी कोज कर सकता है, लेकिन डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि ये उसके आसपास आ ही नहीं पाता, तो जरूरी थोड़ी है कि आपने दिखा दिया तो उसका मतलब इनके बीच में कुछ नहीं है, तो वहाँ रियल में भी कुछ नहीं है, हो सकता है कि दूरी इतनी ज़्यादा है कि वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा है, तो ये कारण भी हो सकता है। तो ऑलवेज ही कोई कनेक्शन नहीं उसको बताएगा, ऐसी बात तो नहीं है, तो ये कॉन्क्लूजन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो करेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो ए एंड सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर टू में हमारे पास ए एंड सी विल बी द राइट आंसर। तो नेटवर्किंग है ना, इंसेक्ट और प्लांट्स और फिर इनके फीडिंग कनेक्शंस, हर्बीवोरी के रिगार्डिंग आप देखें, और फिर कौन किसके लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिस्ट है वो आप इसमें से ट्रेस आउट कर पाएँ, ऑब्लिगेट चीज़ें क्या थी उनको ढूंढ पाएँ, कहीं से कनेक्शन नहीं दिखाने का मतलब क्या इनके बीच में कुछ नहीं हो सकता, यही थोड़ी होगा, हो सकता है कि वो आपस में अटैक करते, या वो उसका होस्ट था, उसको हर्बीवोरी मिलती लेकिन दूरी ज़्यादा होने से नहीं मिल रही, ये कारण भी हो सकते हैं, राइट। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आईडी नंबर 276 है कि रिसर्चर ऑब्जर्व एंट इन कांटेक्ट विद प्लांट कूपर्स, कि कुछ प्लांट कूपर्स हैं उनके साथ चींटियां जुड़ी हुई है, दैट वर फीडिंग ऑन ट्री सैप, और जो कूपर्स हैं वो पौधे के जो ट्री सैप है उसको, या जो ट्री सैप को फ्लोएम सैप भी बोल सकते हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन मेड फ्रॉम हर अबाउट, कि क्या सही बात होनी चाहिए। तो देखिए, ये जो मैटर है वो एक्चुअल में क्या है कि जो पौधे हैं उन पौधों के ऊपर जो, क्योंकि इनमें फ्लोएम है तो फ्लोएम के अंदर जो फूड है वो भरा रहता है, जिसको अपन प्लांट सैप बोलते हैं, तो पौधे के फ्लोएम के अंदर प्लांट सैप भरा रहता है, और प्लांट सैप कहाँ पे, फ्लोएम के अंदर है। अगर कोई इंसेक्ट अपने स्टाइलेट को, जो ग्रास ऊपर्स होते हैं वो अपने स्टाइलेट को इसमें चुभो देते हैं, और स्टाइलेट को चुभो के जो रस है वो प्लांट सैप इसकी बॉडी के अंदर आता रहता है, तो इनको केवल अपना स्टाइलेट इसमें इंसर्ट कराना होता है, और ये इवोल्यूशन का मैटर होता है कि जो पौधों का रस पीने वाले एफिड्स हैं, प्लांट ऊपर्स हैं, उनके स्टाइलेट की लंबाई उनके होस्ट प्लांट के जो एरिया हैं, जो कि मोस्टली सॉफ्ट एरिया होते हैं, जो टेंडर पत्तियां हैं, टेंडर ट्विग्स हैं, उनको पंक्चर करके ये फीडिंग की जाती है। तो प्लांट सैप सुगरी होता है ना, कार्बोहाइड्रेट रिच है, सुगर्स हैं इसके अंदर, तो यहाँ काफ़ी सारी सुगर्स इस ग्रास ऊपर को, प्लांट ऊपर को मिलेंगी, एफिड्स वगैरह जो भी हम यहाँ पे रहे उन सबके पास काफ़ी सारी सुगर्स आती हैं, और इसको जितनी शुगर नीडेड है उससे ज़्यादा शुगर यहाँ आती है, क्योंकि फ्लोएम के अंदर जो प्लांट सैप है वो प्रेशर के साथ में भरा रहता है, मंच हाइपोथेसिस हम प्लांट फिजियोलॉजी से जानते हैं। ओके, तो एक्सिस के अंदर शुगर जब इसके पास आएगी तो काफ़ी सारी शुगर्स है वो इसकी बॉडी से इतना एक्सक्रीटा निकलती रहती है, तो ये इंसेक्ट हैं वो फीडिंग करते रहते हैं, और काफ़ी सारा बेवजह जो प्लांट सैप है, जो कि सुगरी है, वो इनके बॉडी से निकल के पौधों के ऊपर और इनके बॉडी के ऊपर चिपका रहता है, तो स्टिकी हो जाते हैं, और उसको कंज्यूम करने के लिए जो चींटियां हैं वो यहाँ पे लगी रहती हैं, आंट्स इनकी बॉडी के ऊपर भी हैं और यहाँ पे चींटियां लगी रहती हैं।
तो ये ऑब्जर्वेशन आ गया कि ये एक मैटर है कि पौधे का रस कोई पी रहा है, वो रस ज़्यादा आ रहा है और वो रस एक्सक्रीटा में निकल रहा है, वो रस मीठा है, उनका एक्सक्रीटा मीठा है और उस मीठे को लेकर के चींट यहाँ इनके साथ रह रही है। अब हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं कि दिस इन एग्जाम्पल ऑफ एंट बींग प्रेडेटरी, कि चींटियाँ इसको खा रही हैं, नहीं इसको नहीं खा रही हैं, वो तो इसके एक्सक्रीटा में जो शुगर है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसको कैसे मारेंगे वो? अगर ये मर जाएगा तो फिर उनके लिए शुगर कौन निकालेगा? ये तो गलत बात है, ये तो है ही नहीं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आंट्स अपसेटिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर, कि ये यहाँ पे कोई बैलेंस का काम कर रही है, ऐसा भी कुछ नहीं, यहाँ पे फूड अवेलेबल है वो तो उस फूड को खा रही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी ट्रॉफिक इंट्रैक्शन, यस ये एक मल्टी ट्रॉफिक इंट्रैक्शन है कि ये आपका पहला लेवल था जिसमें अपना फ्लोएम है, इसने अपना फूड लिया और ये अपना फूड ले रही है, लेकिन मैटर वही है कि पौधे का रस इसमें से होकर के इनके पास जा रहा है। तो तीन ऑर्गेनिज्म एक साथ इस फूड के लिए जुड़े हुए हैं, दिस इज अ मल्टी ट्रॉफिक सिचुएशन, तो दिस इज मोस्ट करेक्ट वन। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्री अट्रैक्टिंग आंट्स टू गेट रिड ऑफ प्लांट पॉपर्स, के पौधे चींटियों को बुला रहे हैं ताकि प्लांट पॉपर्स नहीं आए, ऐसा थोड़ी है, प्लांट पॉपर तो आए हैं तब चींटियां आई हैं, तो ये तो गलत बात है, पौधे ने थोड़ी चींटियों को बुलाया है, पौधे ने चींटियों को नहीं बुलाया, यहाँ पे तो ग्रास ऊपर का एक्सक्रीटा उसमें एक्सेस में शुगर आ रही है इसलिए चींटियाँ उसके साथ जा रही हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टी ट्रॉफिक इंट्रैक्शन। तो एक छोटी सी बात जब हम क्लास में पढ़ लेते हैं और एक क्वेश्चन जब हमें पार्ट सी का मिल जाता है तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात होती है। ओके, चलिए इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पे देखो हमें बात करनी रहेगी पॉपुलेशन के लिए, बातें हैं कि इन ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन ए, ओके, इंडिविजुअल्स आर अंडर स्ट्रेस, कि किसी पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको स्ट्रेस है। स्ट्रेस कोई भी ऐसी चीज़ जो कि टॉलरेट करने पे प्रोडक्टिविटी या आउटपुट डिक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, एंड दे प्रोड्यूस स्मॉलर ऑफ स्प्रिंग, और इनके जो ऑफ स्प्रिंग है वो छोटे आकार के बन रहे हैं। बेस्ट ऑन दिस, कि स्ट्रेस की वजह से किसी के बच्चे हैं वो छोटे आकार के बन रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आप क्या कंक्लूड करेंगे या क्या उनसे बात कंक्लूड करना ज़्यादा सही है? देखिए, स्ट्रेस इन ए पॉपुलेशन अफेक्ट्स ऑफ स्प्रिंग साइज बट डज नॉट या नॉट द नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि जो ट्रेड ऑफ है उसकी कॉन्सेप्ट तो ये कहती है कि अगर स्मॉलर नंबर होगा, साइज छोटी होगी, तो नंबर है वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ से इस चीज़ को कंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि जो स्ट्रेस कंडीशंस है वो स्ट्रेस कंडीशन क्या करेंगी, स्ट्रेस का मतलब कोई भी स्ट्रेस है तो वो सर्वाइव और रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन एज इट इज हम इससे कंक्लूड नहीं कर सकते। हमारी कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि अगर नंबर साइज छोटा है तो नंबर बढ़ना चाहिए। स्ट्रेस जिनको हो रखा है, ऐसे अडल्ट प्रीफर टू प्रोड्यूस स्मॉलर ऑफ स्प्रिंग दैट रिक्वायर लेस फूड, कि जिनको स्ट्रेस हो रखा है वो जानबूझ के छोटे ऑफ स्प्रिंग बनाना चाहते हैं, कि नहीं जानबूझ के तो कोई भी छोटे ऑफ स्प्रिंग नहीं बनाना चाहता, सारे ही बड़े ऑफ स्प्रिंग बनाना चाहेंगे, लेकिन बनाने के लिए उनके पास है नहीं, स्ट्रेस की वजह से उनको मिल नहीं पा रहा है, तो ये बात तो गलत है कि वो प्रीफर नहीं करना चाह रहे, वो तो कंडीशन के कारण से बनाना पड़ रहा है। स्ट्रेस मे बी लिंक टू ऑफ स्प्रिंग साइज, स्ट्रेस को हम ऑफ स्प्रिंग के साइज से कॉरिलेट कर सकते हैं, यस स्ट्रेस ज़्यादा होने पे ऑफ स्प्रिंग छोटे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने तो बताया था कि स्ट्रेस होने पे वो छोटे बना रहे हैं, तो हम इसको कॉरिलेट कर सकते हैं। स्ट्रेस इन ए पॉपुलेशन डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑफ स्प्रिंग साइज, कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इन ए पॉपुलेशन डायरेक्टली अफेक्ट ऑफ स्प्रिंग साइज, तो डायरेक्टली का कोई मैटर नहीं है कि स्ट्रेस होने की वजह से सर्वाइवनेस में या रिप्रोड्यूस करने में कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन से पार्ट में क्या इश्यू क्रिएट हो रहा है, उसके थ्रू होगा ना कि डायरेक्टली होगा, तो ये चीज़ें भी हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, हमें केवल इतना बताया गया था कि जिनको स्ट्रेस है उनके बच्चे छोटे आकार के हैं, तो इसे तो हम इतना ही बता सकते हैं कि स्ट्रेस को हम ऑफ स्प्रिंग की साइज से जोड़ सकते हैं। हाँ, हमें और चीज़ें और पता होती कि यहाँ और क्या बातें हैं या और क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है,
फिर हम इसके अलावा और चीज़ों पे भी जा सकते थे या और कुछ कॉन्क्लूजन भी निकाल सकते थे, लेकिन हमें जितना बताया गया है उससे हम इतना ही बता सकते हैं कि स्ट्रेस जो है उसका ऑफस्प्रिंग के साइज से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। देखिए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये स्पेसिफिकली जो पॉल्यूशन कंट्रोल है बाय रिमेडिएशन है वहाँ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी 284 कि कौन से टर्म्स हैं जो बाय रिमेडिएशन में यूज होते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो हमें अलग अलग कॉलम्स में दिया हुआ है। तो कॉलम एक्स के अंदर तो रिमेडिएशन कौन से प्रकार का है और उसमें होता क्या है, ऐसे हमने यहाँ पे इसको लिया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा बायोवेंटिंग प्रोसेस होता है, बायोवेंटिंग प्रोसेस का जो मीनिंग है कि वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो सेचुरेटेड जोन होता है, जो अनसेचुरेटेड जोन होता है, उस अनसेचुरेटेड जोन के साथ में हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। ऑक्सीजन को ऐड करने से जो डिकम्पोजिशन है या वहाँ का वहाँ जो एरोबिक डिग्रेडेशन होता है वो बढ़ जाता है। तो किसी एरिया के अंदर जो अनसेचुरेटेड जोन क्रिएट हो जाता है पॉल्यूशन की वजह से, उसमें हम ऑक्सीजन को डायरेक्टली ऐड करते हैं और उसके कारण से वहाँ पे जो डिग्रेडेशन है, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया जो डिग्रेडेशन करते हैं वो डिग्रेडेशन बढ़ने लग जाता है, तो दिस विल बी बायोवेंटिंग, ये थर्ड वाला। इसके बाद में अगर हम बात करें कि नेचुरल एटेन्यूएशन क्या होता है, तो नेचुरल एटेन्यूएशन का मतलब ये होता है कि जैसे जो नेचुरल कंडीशंस हैं, जैसे कोई भी एरिया हो वहाँ पे कोई भी पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, तो उन पॉल्यूटेंट चाहे वो सॉइल में हो या वाटर में हो, ना कहीं भी हो सकते हैं, ये सॉइल में हो सकते हैं पॉल्यूटेंट हैं, वो वाटर में भी हो सकते हैं, तो एट ए साइट वहाँ पे जो भी पॉल्यूटेंट हैं और एट ए साइट वहाँ पे जो भी माइक्रोब्स हैं वो जितना वहाँ पे कर पाते हैं, तो इंडिजिनस लेवल जो होता है कि किसी एरिया के अंदर जो हालत है वो की वो बस, उसके अंदर हमने कोई एडिशन वगैरह कुछ नहीं किया, इंडिजिनस लेवल ऑफ कॉन्टामिनेट डिग्रेडेशन विदाउट एनी ट्रीटमेंट। तो किसी भी साइट के ऊपर वहाँ जो बैक्टीरिया हैं वो जो कर रहे हैं, जो डिकम्पोजिशन वहाँ पे चल रहा है और जितना हो पा रहा है वो वहाँ का नेचुरल एटेन्यूएशन होता है, जिसमें हमने कुछ भी बाहर से कोई इनपुट नहीं डाला है, तो दिस विल बी बी में फर्स्ट वाला। इसके बाद में है एयर स्प्रेइंग, कि हम एयर को स्प्रे करते हैं, तो एयर स्प्रेइंग का मतलब है कि हम मॉडिफाई करेंगे, दिस इज द एडिंग ऑक्सीजन टू द सेचुरेटेड जोन बिलो वाटर टेबल टू स्टिमुलेट डिग्रेडेशन, दिस इज फॉर एयर स्प्रेइंग। एंड फाइनली ये मैटर है हमारा बायो स्टिमुलेशन का, तो अगर हम किसी पॉल्यूटेंट को डिग्रेड करना, उसकी जो स्पीड अप है उसको बढ़ाने के लिए हम बाहर से कोई और माइक्रोब उसमें ऐड करते हैं, तो वो बायोस्टिमुलेशन में कि हम बाहर से कुछ ऑर्गेनिज्म डाल लें और वो फिर डिग्रेडेशन को स्टिमुलेट करें, तो ये मैटर रहेगा कि मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट कंडीशन बाय एडिंग न्यूट्रिएंट टू एनहेंस बायो डिग्रेडेशन प्रोसेसेस। तो मेनली जो रेट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो रेट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि अमाउंट जिनकी कम हो जाती है उनको हम ऐड करें, ठीक है। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं वो काम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को अगर हमें ऐड करें, या सिंपली हम कह सकते हैं कि जो मोलस्सेस होते हैं उनको ऐड करके हम स्पीड अप कर देते हैं, यानी कि कंडीशंस को इस प्रकार से कर देते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़िया डिग्रेडेशन करने लग जाते हैं, दिस इज कॉल्ड बायोस्टिमुलेशन। तो जो सी फॉर सेकेंड एंड डी फॉर फोर्थ, तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया हुआ है, ए का थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में सेकंड एंड डी में फोर्थ। तो बायोरिमेडिएशन के क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर्स में रहते हैं और टेक्निकली बस चीज़ें हमें क्या है उनका थोड़ा पता होना चाहिए और सी पार्ट में क्वेश्चन आने पे हम आराम से इनको कर पाते हैं। ओके, ये तो देखिए हमारे क्वेश्चन जो कि पार्ट सी के पेपर में थे वो हमने देखे कि पार्ट सी के अंदर इवनिंग शिफ्ट के जो पेपर्स थे वो
काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे यहाँ पे और काफ़ी अच्छा स्कोरिंग इकोलॉजी के बेस के ऊपर यहाँ पे रहा हुआ था। तो आई होप इन क्वेश्चन के डिस्कशन से आपके जो भी माइनर जो भी इश्यूज रहे होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय या आपके कॉन्सेप्ट में अभी तक भी हो सकता है कि कोई ऐसी बातें थी जो ज़्यादा क्लियर नहीं थी या डाउट के साथ में थी, तो हो सकता है कि वो सारी चीज़ें इस वीडियो के बाद में बिल्कुल से सॉर्ट आउट हुई हैं और आपने उसको अपडेट भी किया होगा। और सिमिलरली देखिए कि जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो इकोलॉजी देखिए हमेशा से ही एक बहुत ही फ्रूटफुल सब्जेक्ट हम मान सकते हैं, एक कोर सब्जेक्ट मान सकते हैं। चाहे किसी भी बैकग्राउंड से स्टूडेंट आ रहा हो, या बॉटनी हो, जूलॉजी हो, या बायोकेमिस्ट्री हो, बायो या बायोटेक, कहीं से भी स्टूडेंट का पीजी स्टैंडर्ड रहा हो, इकोलॉजी काफ़ी फ्रूटफुल रहने के पीछे जो कारण है उसमें कि कंटेंट काफ़ी ज़्यादा नहीं है, सिलेबस के अंदर भी ज़्यादा बातें नहीं है, थोड़ा सा कंटेंट है, एक ईजी यूनिट है, लेकिन मार्क्स कैरी ज़्यादा करता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हर एक पेपर में ही रहते हैं और इस एंगल से अगर हम एक छोटी सी यूनिट को बहुत बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो हमारा जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो इन वीडियोस की सहायता से आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल से कवर करें। इससे पहले के पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका कंप्लीट डिस्कशन हमारे इस बुकलेट के अंदर अवेलेबल है, तो आप इन बुकलेट्स को डायरेक्टली अमेजोन के ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है परचेजिंग का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो करंटली क्वेश्चंस को भी आप कवर करें, लास्ट पेपर से क्वेश्चन को कवर करें और ऑलमोस्ट इन एनी हाउ कंडीशन पेपर चाहे किसी भी ईयर का आप ले लें या कैसा भी पेपर रहे, तो तकरीबन ये मान के चलिए कि नियर अबाउट 25% जो स्कोर है आपके सिलेक्शन का, लगभग 25 से 30% जो स्कोर है वो आप इस यूनिट से निकाल सकते हो ओनली इकोलॉजी से, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको तकरीबन 110 से लेके 12 मार्क्स जेआरएफ के लिए चाहिए होते हैं, तो उसमें से इतने मार्क्स आप डायरेक्टली इस यूनिट से हर हाल में निकाल सकते हो। तो कोशिश में आपको रखना है कि इकोलॉजी से सबसे बेस्ट रिजल्ट आप निकालें। और आई एम हैप्पी टू इंट्रोड्यूस कि जो स्टूडेंट नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या गेट के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट किया है, वो स्टूडेंट इकोलॉजी को रूट लेवल तक समझने के लिए और इकोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस को इवन सीएसआईआर लेवल से भी अबोव लेवल के ऊपर, कि आपको पता रहना चाहिए कि सीएसआईआर भी गलत है या नहीं है, या एनटीए का क्वेश्चन है उसमें आपको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब तक आप एक बेहतरीन लेवल पे अपने सब्जेक्ट को लेकर के नहीं जाते हो तब तक थोड़े से डाउट सब्जेक्ट में रहते ही हैं और कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होने पे तो इश्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। तो करंट जो स्टूडेंट्स जो कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी रेगुलर जो क्लासेज हैं ऑनलाइन उनको ज्वाइन कर सकते हैं, कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं, इन बुकलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाकी यूनिट्स के क्वेश्चंस हैं उनका भी डिस्कशन हम वन बाय वन आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।